हाँ जी सर, स्टार्ट हो गई। आज की इस परिचर्चा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। दो दिवसीय ये जो नेशनल वेब बेस्ड वर्कशॉप कंडक्ट करने जा रहे हैं, इसकी जो कन्वीनर है डॉक्टर अनुभा जैन, जो कि संस्कृत विभाग गुरु नानक देव गर्ल्स कॉलेज यमुनानगर से हैं, और उनके साथ बहुत सारी फैकल्टीज के जो भिन्न भिन्न विषयों के फैकल्टीज हैं और कॉलेजेस हैं, उनके साथ मिलकर के इस कार्यक्रम को आज आयोजित किया जा रहा है। और जैसा कि आप सभी लोग इस विषय से परिचित हैं कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी लेसन्स फॉर असेसमेंट ऑफ साइकोफिजिकल इश्यूज, ज्योतिष शास्त्रीय चिकित्सा आदि व्याधि विषयक मूल्यांकन विधियां, यानी कि ज्योतिष शास्त्र के आधार पर हम जो आदि और व्याधि, जिसे मनोरोग और शारीरिक रोग कहा जाता है, संस्कृत में उसे आदि व्याधि के नाम से जाना जाता है, तो उसका मूल्यांकन करना, और ताकि भविष्य में हम अपने को अधिक सुरक्षित और अधिक स्वस्थ रख सकें, इसलिए इस ज्योतिष शास्त्र को हम सहायता के रूप में किस तरह से प्रयोग में ला सकते हैं, इसका किस तरह से हम उपयोग कर सकते हैं, इन सब बातों को जानने और समझने के लिए आज हमने ये परिचर्चा जो है वो आयोजित की हुई है। तो इस परिचर्चा के आरंभ में मैं आपको उसके कार्यक्रम से अवगत कराना चाहूंगा। इसमें शुरू का जो विचार है कि इस सारे के पीछे विचार क्या रहा है, उसके बारे में आपको अगले 2-3 मिनट में उसके बारे में आपको परिचित कराया जाएगा। और आज के हमारे जो मुख्य वक्ता हैं डॉक्टर मुकेश शर्मा, जो कि अध्यक्ष हैं संस्कृत विभाग के डीएवी कॉलेज फॉर गर्ल्स यमुनानगर में, वो रहेंगे और उनकी चर्चा रहेगी लगभग 35-40 मिनट। उसके बाद ओपन हाउस डिस्कशन, जो भी चर्चा होगी, जो भी प्रश्न होंगे उनको हम लेंगे, और अंत में जो धन्यवाद ज्ञापन है डॉक्टर अनुभा जैन, जो कि कन्वीनर हैं गुरु नानक गर्ल्स कॉलेज यमुनानगर की इस वर्कशॉप की, वो हमारे साथ रहेंगे। तो सीधे विषय की ओर अग्रसर होते हैं ताकि हमारा समय भी बचे और हम विषय को ठीक से समझ भी लें। तो सबसे पहले उचित तरीका यही होता है कि जो भी विषय पे लगने वाले आक्षेप होते हैं, उन आक्षेपों को एक बार हम ठीक से समझ लें, ताकि अपनी चुनौतियों को का उत्तर भी दें और अपनी स्थापनाएं भी कर सकें, जिसे संस्कृत में कहा जाता है कि परमत खंडनम और स्वमत स्थापनम। तो जो हमारे ऊपर लगने वाले आक्षेप हैं, उन आक्षेपों में अगर आप देखें तो 4 मुख्य रूप से आक्षेप लगते हैं। पहला आक्षेप है कि इंडियन एस्ट्रोलॉजी हैज फेल्ड इन ऑब्जर्वेशन। ये साइंसेस और सोशल साइंसेस के लोग जो ज्यादा इंटेलेक्चुअल अपने को कहते हैं, ये उनकी ओर से आक्षेप लगते हैं भारतीय विद्याओं के ऊपर। दूसरा है, इंडियन एस्ट्रोलॉजी फॉलोड नो एक्सपेरिमेंटल अप्रोच, कि इसमें कोई एक्सपेरिमेंट्स नहीं होते रहे हैं और इसलिए ऑब्जर्वेशन तो पहले ही कभी नहीं हुई। इंडियन एस्ट्रोलॉजी इज इम्प्रैक्टिकल और इंडियन एस्ट्रोलॉजी इज डोमिनेटेड बाय सुपरस्टिशन, अंधविश्वास से जो है ये प्रेरित है। तो ऐसे आक्षेप इस पे लगते हैं, लेकिन इनका उत्तर देने के लिए आप अपनी स्क्रीन पे देखिए न दैन्यम न पलायनम, कि ना तो हम इससे भागेंगे न बचेंगे। तो इसलिए इस विषय में हम 4 प्रश्न लेते हैं ताकि हम विषय को सुस्थापित कर सकें और अपने मत को जो है वो तर्कसंगत रूप से प्रस्तुत कर सकें, जो दायित्व जो है आज के हमारे मुख्य वक्ता करेंगे। तो संस्कृत परंपरा में 4 प्रकार के प्रश्न होते हैं। उन 4 प्रकार के प्रश्नों को अगर आप देखें तो उसमें आपको पहला जो प्रश्न है एकांश व्याकरणी, जिसका मतलब होता है कि आप उत्तर हाँ या ना में देंगे, तो उसमें प्रश्न ये है, शुड वी टॉक एंड एक्सप्लोर अबाउट इंडियन एस्ट्रोलॉजी। तो हाँ या ना में आप इसका उत्तर दे सकते हैं, कि आप पे निर्भर करता है कि आप इस बात को स्वीकार करते हैं या नकारते हैं, कि हमें इस विषय पे बात करनी चाहिए या नहीं। दूसरी तरह के प्रश्न होते हैं कि प्रतिपृच्छा व्याकरणी प्रश्न, का मतलब है कि आप काउंटर क्वेश्चन के द्वारा उसका उत्तर देते हैं, जो प्रश्न किया जाता है उसका काउंटर क्वेश्चन प्रति पृच्छा जो है उसके द्वारा उत्तर देते हैं। इस इंडियन एस्ट्रोलॉजी इज बेस्ड ऑन सुपरस्टिशन, तो इसका काउंटर क्वेश्चन क्या होगा, हैव यू एवर लर्न्ड
learned and experimented with Indian astrological system और यू आर ए सेल्फ सर्टिफाइड रैशनलिस्ट. तो ये इसका हमने काउंटर क्वेश्चन करके इसका प्रत्युत्तर दे दिया. तो काउंटर क्वेश्चन अपने आप में एक प्रत्युत्तर होता है. तीसरी तरह के प्रश्न होते हैं, इज इंडियन एस्ट्रोलॉजिकल सिस्टम यूजलेस एंड इररेलेवेंट. ऐसे प्रश्नों को उठा करके हम बिल्कुल किनारे पे रख देते हैं. हमें लगता है कि ये अर्थहीन और व्यर्थ के प्रश्न हैं, इनके उत्तर भी देने की आवश्यकता नहीं, बल्कि इनको तो हम प्रश्न की कैटेगरी में भी नहीं गिनते. लेकिन क्योंकि समाज है तो हर तरह के प्रश्न को आपको कैटेगराइज तो करना है. लेकिन ये जो चौथा प्रश्न है वो है विभज्य व्याकरणीय, जिस जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न होता है कि व्हाट इज द फॉर्म एसेंस एंड सिस्टम ऑफ इंडियन एस्ट्रोलॉजी. इंडियन एस्ट्रोलॉजी के सार क्या है, प्रारूप क्या है और उसकी व्यवस्था क्या है, ये चौथा प्रश्न है. इसका हमें विस्तार पूर्वक उत्तर देना है आज इस कार्यशाला में. इस कार्यशाला को लगाने के पीछे तीन चार बातें थी, वो आप देखिए जिनके विषय में मैं आपसे बात कर रहा हूँ और ये मैंने आपके साथ साझा भी किया है कि वन मस्ट लर्न टू असेस हिज और हर फ्यूचरिस्टिक हेल्थ इश्यूज फ्री ऑफ कॉस्ट एंड टू टेक प्रीएम्प्टिव मेजर्स टू स्टीयर साइकोफिजिकल इश्यूज. ये कार्यशाला इसलिए लगाई जा रही है कि ताकि हम आने वाले भविष्य में अपनी जो मनो मानसिक समस्याएं हैं या शारीरिक समस्याएं हैं उनके बारे में जो है पूर्वानुमान कर सकें और तदनुकूल अगर हमें जो भी स्वास्थ्य चिकित्सा करनी है तो उसका हम ध्यान रखें. दूसरा है कि NEP जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है और जो इंडियन नॉलेज सिस्टम का डॉक्यूमेंट है UGC का, वो एक्सप्लोर करने के लिए कहता है, स्थापना करने के लिए कहता है कि आप इंडिजिनियस नॉलेज सिस्टम जो है, ट्रेडिशन है, उसको प्रस्तुत करें और उसको विद्या में लेकर के आए, धारा में लेकर के आए. तो पूरी एक अनुमान है, पूरी एक प्रयास है. डॉक्टर मुकेश जी आप अपना अभी इसको ऑफ कर लीजिए माइक को प्लीज, क्योंकि वो डिस्टरबेंस करेगा जी. तीसरा जो था कि एक हरियाणा गवर्नमेंट का सर्कुलर आया है हायर एजुकेशन का, जिसमें जो सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, कॉलेजेस में मुझे लगता है वो सर्कुलेट नहीं हुआ है, उसमें ये कहा गया है कि उन्होंने कई जो स्किल ओरिएंटेड चीज़ें हैं, स्किल ओरिएंटेड कोर्सेज हैं, वो उन्होंने उसमें सजेस्ट किए हैं कि हर कॉलेज को ये शुरू करने चाहिए. लेकिन उसमें से एक भी जो कोर्स है वो भारतीय परंपरा पर आधारित कोई भी कोर्स उन्होंने सजेस्ट नहीं किया. जैसे कि इंडियन साइकोलॉजी का कोर्स हो सकता था, इंडियन केमिस्ट्री का कोर्स हो सकता था, फूड कल्चर के ऊपर हो सकता था, या बहुत सारे इस तरह के बहुत सारे कोर्सेज संभव थे. लेकिन वो उसी तरह से मक्खी मार जो कोर्सेज थे उन्हीं को उसमें सजेस्ट किया गया है कि कंप्यूटर कोर्स करा दो और इस तरह के अन्य अन्य कोर्सेज करा दें. तो ये उस ऑफिशियल सर्कुलर का भी एक प्रत्युत्तर के रूप में है. तो कुल मिलाकर के इस कार्यशाला को करने का जो उद्देश्य है वो है कि हम एक स्वस्थ जीवन जिए, जो आदर्श हमें अपनी वैदिक परंपरा से, भारतीय परंपरा से मिला है कि हम 100 वर्षों तक स्वस्थ रूप में जिए, 100 वर्षों तक हम इन सब व्यवस्थाओं को जो है वो समझें, देखें, जाने. ये है इस मंत्र का अर्थ कि पश्येम श्रद्धा शतम, जीवेम श्रद्धा शतम, शुणुयाम श्रद्धा शतम, प्रप्रवाम श्रद्धा शतम, कि 100 साल तक ठीक बोलें, 100 साल तक दीनहीन हुए बिना जो है हम जीवन को जिए. चलिए सीधे सीधे जो हम ये जो स्लाइड आप देख रहे हैं उन इंटेलेक्चुअल्स को एक चुनौती देते हैं और अपने साथ समझने की भी कोशिश करते हैं कि इस धरती पर हम सभी उत्पन्न होते हैं, सारी सृष्टि इसी धरती पर उत्पन्न होती है. और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे आप देखें तो जो भी धरती पर उत्पन्न होगा उसका एक निश्चित समय होगा और उसका स्पेस होगा. टाइम और स्पेस के बीच में हर व्यक्ति इस धरती पर जन्म लेता है, बर्थ लेता है, और उसी में ये आपका शरीर भी आता है. इस शरीर को 12 जो राशियां हैं उन राशियों को इस शरीर के साथ संबंधित किया गया है, जिसके बारे में चर्चा करेंगे डॉक्टर साहब. और उसके साथ साथ शरीर के जितने भी भाग हैं, अंग हैं, उनका जितने भी आपके प्लैनेट्स हैं उन प्लैनेट्स के साथ उसका संबंध बनाया गया है. अब ये प्लैनेट्स का संबंध और राशियों के संबंध को कैसे हमने समझना है, कैसे अप्रोच करना है,
अपने भविष्य में स्वास्थ्य को जानने और समझने के लिए, अपने रोगों को जानने और समझने के लिए, उसको रोकने के लिए, ये इस कार्यशाला का विशेष उद्देश्य रहेगा। इसी चीज को आप एक दूसरे तरीके से भी समझें कि एक और आपके ये ग्रह हैं और दूसरी तरफ आपकी ये राशियां हैं, एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे सारे के सारे आपके सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, ये 9 ग्रह हैं, और इनके बीच में प्रत्येक व्यक्ति को 12 भागों में बांटा जाता है, जिन्हें भाव कहा जाता है, जिसके बारे में डॉक्टर साहब विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और फिर आपको समझाएंगे कि किस तरह से आप इसमें रोगों को देख समझ सकते हैं। तो प्रथम भाव, द्वितीय, तृतीय, ये सारी विषयों पे मैं चर्चा नहीं करने जा रहा, लेकिन आप ये देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि इस तरह से प्रत्येक व्यक्ति को 12 भागों में विभाजित किया जाता है, उसके जितने 12 आयाम कह लीजिए, भाग शब्द शायद अनुचित रहेगा, कि 12 आयामों में प्रत्येक व्यक्ति को विभाजित किया जाता है और फिर एक एक के ऊपर कौन से ग्रह का, कौन सी राशि का क्या प्रभाव पड़ता है और किस तरह से वो भाव प्रभावित होते हैं और आपके शरीर और मन में अभिव्यक्त होते हैं, ये सारी बातों को हम अगले 35-40 मिनट में समझेंगे और उसके बाद इसके ऊपर चर्चा रखेंगे। ये एक विषय है जिसको हम फिर कभी लेंगे, वो ये है कि बायोकेमिक मेडिसिन जो होती हैं, 12 मेडिसिन हैं, तो आप उनके अगर गुण दोषों को देखें तो वो गुण दोष जो हैं वो सभी राशियों के साथ, 12 राशियों के साथ उनका तालमेल बैठता है। बायोकेमिक और होम्योपैथिक मेडिसिन जो हैं इसके ऊपर काफ़ी काम हुआ है और ये बड़ी रुचिकर हमारे लिए एक जानकारी है कि जैसे ये कैल्केरिया फ्लोर, कैल्शियम फॉस, फेरम फॉस, काली मुर आदि आदि, ये जो 12 सॉल्ट्स होते हैं, बायोकेमिकल सॉल्ट्स कहा जाता है इन्हें, औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट एक तरह के सॉल्ट्स हैं प्रत्येक राशि के व्यक्ति के लिए। तो जो एरिस के हैं, टॉरस के हैं, जेमिनी के हैं, सेजिटेरियन हैं, जो भी हैं, उनके लिए ये बड़े उपयोगी सॉल्ट्स हो सकते हैं और उनकी जो बीमारियां हैं उनको ये ठीक करने में काफ़ी सहायता दे सकते हैं। लेकिन ये अभी चर्चा का विषय नहीं, लेकिन आप लोगों को केवल इसके बारे में सजग करने के लिए ये कह रहा हूँ। और एक अंतिम स्लाइड बता करके मैं आज के मुख्य वक्ता को आमंत्रित करूँगा कि वो हमारे साथ अपनी बातचीत शुरू करेंगे। आप देखिए कि भारतीय मेधा जो परंपरा है वो कितना सूक्ष्म विश्लेषण करती है कि प्रत्येक राशि के लिए जो उपयुक्त भोजन है, जो उसके लिए प्लांट्स या हर्ब्स हैं, वो कौन से जो हैं वो ज़्यादा सुविधाजनक, ज़्यादा उपयोगी हो सकते हैं, उनकी भी कैटेगरीज बनाई गई हैं जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। एरीज के लिए जो है ओनियन है, पॉपी है, और इसी तरह से टेरेस के लिए जो है स्ट्रॉबेरी, डेजी और लेवेंडर आदि, ये सारी की सारा 12 जो राशियाँ हैं इन व्यक्तियों के लिए किस तरह के जो खाद्य पदार्थ हैं वो उचित होंगे, यहाँ तक कि ऑब्जर्वेशंस और उनको एक्सपेरिमेंट्स करके निश्चित किया गया है। तो ये बहुत एक व्यापक विषय है, लेकिन उसमें से केवल मात्र आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि किस तरह से हम अपनी बीमारियों को देखें, समझें और भविष्य में उनसे बचने का क्या उपाय करें, कैसे उसका उपाय करें। इन 2 दिनों में हम इन सब चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर मुकेश शर्मा जी, जो कि ज्योतिषाचार्य भी हैं, अध्यापक का काम भी करते हैं, अध्यापक भी हैं डीएवी कॉलेज फॉर गर्ल्स में, उनका हार्दिक अभिनंदन सभी कॉलेजेस की ओर से करता हूं, आप सभी की ओर से करता हूं, और उनसे ये निवेदन करता हूं कि वो हमारा दिशा निर्देश करें, हमें वो प्रशिक्षित करें कि इन सब चीज़ों को, इन रोगों को हम कैसे देखें, जानें, समझें और कैसे इनसे हम जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं उनको हम ग्रहण करें। तो इस विषय के लिए, चर्चा करने के लिए मैं उनको सादर आमंत्रित कर रहा हूं और पुनः आप सब की ओर से उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। डॉक्टर मुकेश जी, सर आप अपने को अनम्यूट कर लीजिए और मैं आपकी स्लाइड शेयर कर रहा हूं, आप मुझे जैसा आदेश करेंगे वैसा मैं उस स्लाइड को आगे पीछे करता रहूँगा। जी सर, धन्यवाद डॉक्टर साहब। मैं सबसे पहले तो आपको धन्यवाद अर्पण करूंगा कि आपने मुझे मेरा जो प्रिय विषय है इसके ऊपर अपनी बात रखने के लिए एक मंच जो है प्रदान किया। और जो भी प्रबुद्ध जन यहाँ पर ऑनलाइन इस कार्यशाला में उपस्थित हैं अलग अलग स्थानों पर, मैं उन सबको एक बार जो है प्रणाम करता हूँ।
और मैं बड़ी विनम्रता से यह आपको अपना जो ज्ञान प्राप्त किया है गुरुजनों से, जो अनुभव प्राप्त किया है, उसके आधार पर जो है मैं अपने व्याख्यान को आपको मैं कहना चाहूँगा। अगर हम प्राचीन भारत की बात करें तो हमारे प्राचीन भारत में प्रत्येक वैद्य ज्योतिष का ज्ञाता हुआ करता था। जब हम वैद्यकीय ग्रंथों को पढ़ते हैं तो वहां पर एक निश्चित नक्षत्र में औषधियों का चयन करके उनका निर्माण करना, चिकित्सा शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र इनको सहोदर माना गया है, दोनों भाई हैं। आज एलोपैथी का बहुत प्रचलन है, होम्योपैथी भी है, यूनानी भी है, परंतु मैं यह अनुभव करता हूं कि जो हमारी भारतीय ज्योतिष है वो हमारे भारतीय आयुर्वेद के बहुत ज्यादा समीप है, बहुत ज्यादा जो है नजदीक है। जिस प्रकार से वात पित्त कफ ये त्रिदोष होते हैं, उसी प्रकार से ग्रहों के अंदर भी वात पित्त कफ इनका कारकत्व जो है वो ग्रहों को दिया है। धातुओं की चर्चा जिस प्रकार से हमारे चिकित्सा शास्त्र के ग्रंथों में की गई है, उसी प्रकार से धातुओं की जो बात है वो सात ग्रहों के साथ जोड़ करके बताई गई है। तो अभी हम इसको प्रारंभ करते हैं, अपने विषय पर आते हैं। मैं आपको सबसे पहले यह कहना चाहूंगा कि हम देखते हैं कि जो बीमारी व्याधि जो है वो क्यों होती है, उसके कई कारण होते हैं। एक कारण जो बताया गया है, पूर्व जन्म कृतम पापम व्याधि रूपेण बाधते। हमारी शास्त्रीय परंपरा में पूर्व जन्म में किया हुआ जो पाप है वो व्याधि के रूप में परेशान करता है व्यक्ति को। कुछ व्याधियां सामान्य होती हैं, हम चिकित्सक के पास जाते हैं और बड़े जल्दी जो हम जब चिकित्सा कर लेते हैं तो वो ठीक हो जाती हैं। ऋतु परिवर्तन से कुछ बीमारियां होती हैं, बहुत लोगों में फैल जाती हैं, उनकी चिकित्सा जब होती है तो वो ठीक हो जाती हैं। परंतु जब कोई बीमारी ठीक नहीं होती और उसको ठीक करने के लिए जब हमें चिकित्सक अलग-अलग टेस्ट बताते हैं करने के लिए, और उन टेस्ट के करने के बाद भी कई बार हम अपने जीवन में ये देखते हैं कि हमें उस बीमारी का कारण जो है वो समझ में नहीं आता, चिकित्सक को भी ये कारण समझ में नहीं आता, और बिना कारण के जाने निवारण कैसे करेंगे। तो जो आधुनिक हमारी जो चिकित्सा पद्धति है, इसके साथ साथ इसके समानांतर यदि ज्योतिष को जोड़ दिया जाए तो उसमें हमें बहुत अधिक लाभ मिल सकता है। अब ज्योतिष का इससे क्या संबंध है, क्योंकि शास्त्रों में बोल दिया कि पूर्व जन्म कृतम पापं व्याधि रूपेण बाधते, कि पूर्व जन्म का किया हुआ जो पाप कर्म है वही आपको बीमारी देता है, ये एक मान्यता है। अब यहाँ पर जो हम ज्योतिष है, अगर हम ज्योतिष की परिभाषा को देखें तो जो ज्योतिष है वो प्रकाशमान जो हमारे नक्षत्र ग्रह आदि हैं उनसे संबंधी है। प्रकाश का हमारे जीवन में क्या कार्य होता है, जीवन में प्रकाश हमें एक मार्गदर्शन जो है वो देता है। एक कमरे में यदि प्रकाश कर दिया जाए तो कमरे में रखी हुई जो वस्तुएं हैं वो हमें बिल्कुल स्पष्ट दिखती हैं, और हमें जो भी वस्तु चाहिए होती है हम बड़ी आसानी से उसके पास पहुंच सकते हैं। अब दिन में जब हम सूर्य को देखते हैं तो दिन में सूर्य हमारा मार्गदर्शन जो है वो करते हैं। तो ज्योतिष जो है ये हमारा प्रत्येक क्षेत्र में मार्गदर्शन करने वाला शास्त्र है। तो बीमारी के विषय में भी ग्रहों की जो बात कही है कि जो कर्म बीमारी देते हैं, तो ग्रह उसमें क्या उनका रोल रहता है, क्या उनकी भूमिका होती है, तो इसके बारे में कहा गया है कि ग्रह वही कर्म सूचकाः, कि जो ग्रह हैं वो हमारे पूर्व जन्म के कर्म के सूचक हैं, वो हमें बताते हैं उसके बारे में कि हमने कौन सा कर्म किया तो हमें उस
उसके कारण कौन सी बीमारी संभव है कि वो हो सकती है हमें। तो इस प्रकार ज्योतिष का भी उसमें महत्व आ जाता है। जब हम ज्योतिष के अनुसार प्रायोगिक बात करते हैं तो ज्योतिष शास्त्र मुख्य रूप से तीन तत्वों पर आधारित है। सबसे पहला जो आप ये स्लाइड देख रहे हैं, ज्योतिष के अंदर भाव है, भाव में कोई ना कोई राशि होती है और उस राशि का स्वामी कोई ना कोई ग्रह होता है। चिकित्सा ज्योतिष में जब हम बात करते हैं तो इन तीन तत्वों की पूरी भूमिका होती है। इन तीन तत्वों के आधार पर ही बीमारी क्या होगी, कौन से अंग में होगी, किस प्रकार से होगी, किस तत्व के असंतुलन से होगी, ये निष्कर्ष तभी निकाला जा सकता है जब हम ग्रह के बारे में जानेंगे, राशि के बारे में जानेंगे और हम भाव के बारे में जानेंगे। आपके सामने जो ये स्लाइड है इसमें अगर आप देखेंगे, ये हमारे उत्तर भारत में चलने वाली जो हमारी जो कुंडली होती है, हॉरोस्कोप होती है, ये उसका प्रारूप है। इसमें आप सबसे पहले देखें कि जो पहला वाला जो हमारा जो भाव है, जो घर है, उसमें एक नंबर लिखा हुआ है। तो मैं थोड़ी सी बेसिक जानकारी जो है अवश्य देना चाहूंगा, क्योंकि जब हम प्रायोगिक करना थोड़ा इसको प्रारंभ करेंगे तो बिना मुख्य मूल बातों के जाने हम उसमें नहीं जा पाएंगे। तो आप में से बहुत लोग परिचित भी होंगे इससे कि इसमें हमारी जो एक नंबर की राशि है, इस राशि का नाम मेष है, इसका स्वामी जो है वो मंगल है। और यहाँ पर तो ये राशि पहले जो हमारा ऊपर का जो सबसे मुख्य जो घर है उसमें हमने इसको दिखाया हुआ है, परंतु ये राशियां भ्रमण करती रहती हैं, पूरी 12 राशियां जो हैं 24 घंटे में यहाँ पर बदलती हैं। यहाँ पर अगर अभी एक नंबर दिया हुआ है तो कभी यहाँ पर दो भी होगा, तीन भी होगा, तो ये आगे भ्रमण करती रहेंगी। इनमें जो बैठे हुए ग्रह हैं वो भी भ्रमण करते रहेंगे, परंतु ये ध्यान देने वाली बात है कि ये जो हमारा पहला जो घर है ये हमेशा प्रथम भाव ही गिना जाएगा, चाहे यहाँ पर कोई भी अंक क्यों ना आ जाए। अंक आप केवल ये समझ लीजिए कि अंक तो केवल सूचक है कि भाई ये किस आदमी का है, किस ग्रह का ये घर है। अब यहाँ पर सबसे पहली जो हमारा प्रथम जो भाव है उसमें एक नंबर की राशि है, उसका स्वामी मंगल होता है। अब अगर हम जैसे बात करते हैं आधि व्याधि, तो मंगल का वहां पर क्या रोल रहता है, सामान्य से एक पंक्ति में बात करके तो आगे बढ़ेंगे। मंगल जो है वो अग्नि तत्व का ग्रह होता है और जो ये मेष राशि है ये भी अग्नि तत्व की होती है। जिस व्यक्ति के लग्न में मेष लग्न होगा, जिसका मेष राशि जिसके लग्न में होगी और यदि मंगल भी वहां पर है, और सबसे मुख्य बात जो हमारे अधिकतर ज्योतिषी जो छोड़ देते हैं या भूल जाते हैं, जब हम जन्म कुंडली का निर्माण करते हैं तो जन्म कुंडली के साथ एक कुंडली होती है जिसको हम चलित कुंडली बोलते हैं या भाव कुंडली बोलते हैं। तो यदि उन दोनों कुंडलियों के अंदर मेष राशि हो और वही ग्रह बैठा हो और वो अपना पूरा प्रभाव वहां पर दिखा रहा हो, यानी किसी अन्य ग्रह से वो अगर खराब नहीं हो रहा है, किसी अन्य ग्रह की दृष्टि वहां पर नहीं पड़ रही है, तो व्यक्ति का जो शरीर का जो प्रमुख तत्व होगा वो अग्नि तत्व होगा, यानी अग्नि का प्राबल्य उसके अंदर ज्यादा होगा, वो उत्साही होगा, बहुत अग्रणी होगा, बहुत आगे जाने वाला होगा। और अग्नि तत्व को अगर आप देखें तो अग्नि हमेशा ऊपर की ओर उठती है, कभी वो नीचे की ओर नहीं आती। अगर एक जलती हुई लकड़ी को भी अगर आप नीचे करेंगे तो वो ऊपर की ओर जाता है। तो अगर हम ऐसे व्यक्ति की बात करें तो उसके अगर ये प्रबल है यहाँ पर, तो उसका जो पूरा जो शरीर है वो मजबूत होगा, उसके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होगी। अब हम समय को देखते हुए आगे चलते हैं। ये हमारी जो 2 नंबर की राशि है, इस राशि को वृष कहते हैं, इसका स्वामी शुक्र होता है। और जो हमारी ये 2 नंबर की जो राशि है, इसका जो तत्व होता है वो पृथ्वी तत्व होता है, स्टेबल, तो ये स्थिर तत्व की राशि है।
तो इन राशियों के तत्वों का भी रोग के निर्धारण में बहुत योगदान होता है और ग्रहों का भी बहुत योगदान होता है। अब जो मेष यानी जो अग्नि तत्व की राशि है, ये जब पीड़ित होती है तो अग्नि व्यक्ति को जो शरीर में उसका जो अग्नि तत्व है, जो पित्त जिसे हम कहते हैं, वह उसका प्रबल होता है और ऐसे व्यक्ति को अग्नि से, गर्मी से होने वाली बीमारियां अधिक होती हैं, जल्दी होती हैं, ज्यादा होती हैं। इसी प्रकार तो ये एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि जो मेष राशि है ये मूवमेंट वाली राशि है, मूवेबल राशि इसको बोला गया है, चर राशि इसको बोला जाता है। ये यदि पीड़ित होती है तो व्यक्ति को जो बीमारी होगी वो बहुत जल्दी हो जाएगी, यानी व्यक्ति सुबह अगर ठीक है तो वो दोपहर को बीमार हो जाएगा, और एक अच्छी बात और भी है कि वो ठीक भी बहुत जल्दी हो जाएगा। तो चर राशि होने से तात्पर्य यही है कि जो बीमारी होगी वो जल्दी होगी और ठीक भी जल्दी होगी। स्थिर राशि जो हमारी वृष राशि है, स्थिर राशि का तात्पर्य होता है कि ऐसे व्यक्ति जल्दी से बीमार नहीं होते, बीमार होंगे तो भी जल्दी से ठीक नहीं होंगे, ये इसमें प्रकार का प्रभाव होता है। तो ये हमारा दूसरा भाव और वृष राशि, और जो शुक्र है उसको हम मतलब जल तत्व में लेते हैं, शरीर का जो रस होता है उस वहां पर जो है शुक्र का बहुत बड़ा रोल होता है। अब जैसे हम तीसरे भाव पर चर्चा करते हैं, तो तीसरा भाव जो हमारा भाव है उसमें यहाँ पर बुध बुध की राशि दी हुई है। मैंने इस प्रकार से दिया है कि हमें एक बार में पता लग जाए कि किस राशि का कौन सा स्वामी ग्रह है। तो तीसरा, 3 नंबर की जो राशि है उसका नाम है मिथुन, और ये हमारा तीसरे भाव में ही है यहाँ पर। और इस मिथुन राशि का स्वामी जो है वो बुध ग्रह होता है। तो बुध ग्रह अपने आप भी पृथ्वी तत्व का होता है वैसे, और बुध की ये जो राशि है 3 नंबर की, इसको अग्नि पृथ्वी वायु, इसको वायु तत्व की राशि जो है माना गया है, वायु तत्व यानी हवा गैस। और फिर उसके बाद आगे चलते हैं हम, 4 नंबर की जो राशि होती है इसका स्वामी चंद्र ग्रह होता है, और ये चतुर्थ भाव। उसके बाद हम आगे इसमें थोड़ी सी बात बताना चाहता हूँ कि चंद्रमा, जब हम आदि की बात करते हैं तो उसका चंद्रमा, चंद्र ग्रह का उसमें बहुत बड़ा रोल होता है। अगर हम देखें तो एक मंत्र आता है, चंद्रमा मनसो जाता, मतलब एक सूत्र जो है वो हमें वहां पर प्राप्त होता है कि जो परम पिता परमेश्वर है, जो पुरुष हैं, उनके मन से जो है वो चंद्रमा उत्पन्न हुआ। तो हम ज्योतिष में इसका किस तरीके से प्रयोग करते हैं, जो मानसिक व्याधियां होती हैं, 80% जो मानसिक व्याधियां हैं चंद्रमा का उनके अंदर रोल होता है पूरी तरह से। चंद्रमा और 4 नंबर की राशि जो है चंद्रमा की है, और मानसिक व्याधियों में हमारा चतुर्थ भाव का भी रोल होता है, चंद्रमा का भी बहुत रोल होता है। और अगर हमने पूरी तरह से किसी व्यक्ति की मानसिक बौद्धिक स्थिति का आकलन अगर कुंडली में करना हो तो इसके साथ में बुध ग्रह को भी हम लेते हैं। बुध ग्रह हमारी बुद्धि को रिप्रेजेंट करता है, हमारी मेधा, हमारी समझ जो है वो कैसी है, हम चीजों को कितना जल्दी सीखते हैं। तो मन और बुद्धि, ये आप जानते हैं कि हमारे जीवन में इनका बहुत बड़ा रोल है। तो मन का जो कारक है वो चंद्रमा है और बुद्धि का कारक जो है वो बुध है। और मैंने अपने अनुभव में ये पाया है कि अगर व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा पीड़ित होगा, बुध उसका पीड़ित होगा, तो वो व्यक्ति जो है मानसिक तौर पर, बौद्धिक तौर पर अस्थिर रहेगा, अधिक परेशान रहेगा, चिंतित रहेगा, नकारात्मक बातों को सोचेगा, उसका जो मन है, उसकी जो बुद्धि है वो किसी एक कार्य पर नहीं टिकेगी। तो इन 2 ग्रहों का आदि की जब हम बात करते हैं, तो मानसिक जो समस्या है उसकी जब हम बात करते हैं तो उसका वहां पर बहुत बड़ा रोल होता है। अच्छा, आगे की जो स्लाइड आएंगी तो मैं इसमें थोड़ा भावों के बारे में आपको डिटेल बताऊंगा। अभी हम चलते हैं आगे, 5 नंबर की राशि। ये 5 नंबर की राशि सूर्य ग्रह की होती है, और सूर्य के बारे में अगर आप देखें तो सूर्य आत्मा जगतः, जगत की जो आत्मा है, सौर परिवार के मध्य में भी देखें तो वो सूर्य है। तो सूर्य को अगर देखें तो सूर्य के बिना ये संसार की आप कल्पना नहीं कर सकते। उसी प्रकार से हमारी जो जन्मपत्रिका होती है उसमें सूर्य ग्रह का बहुत बड़ा रोल होता है। हमारी जो कुल इम्यूनिटी, जिसको हम रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं, वो सूर्य के ऊपर आधारित है। अगर किसी व्यक्ति का, जैसे मैंने बताया कि चंद्रमा पीड़ित हो गया तो वो मानसिक रूप से जो है परेशान रहेगा, यदि किसी का सूर्य पीड़ित हो जाता है
तो उसकी इच्छा शक्ति जिसे हम विल पावर कहते हैं, उसका जो आत्मबल है, उसका जो उत्साह है, वो जीवन में नहीं होता, वो बहुत कम होता है। उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता भी जो है बहुत कम होती है। मैंने ऐसा अनुभव किया कि जिन बच्चों की कुंडली में सूर्य पीड़ित होता है, केवल सूर्य, तो ऐसे बच्चों की इम्यूनिटी वीक होती है और वो बारंबार बीमार पड़ते हैं। मतलब उनको आप ये देखें कि हर हफ्ते 10 दिन में उन बच्चों को लेकर के डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता है। तो सूर्य और चंद्रमा और हमारा जो सबसे जो मेन है लग्न, इन इन भावों का, इन ग्रहों का मजबूत होना हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है। मंगल जो लग्न है हमारा, जो सबसे पहला भाव होता है, वो हमारी ओवरऑल पर्सनैलिटी, हमारे बाह्य जो भी स्वास्थ्य होता है उसको रिप्रेजेंट करता है। चंद्रमा जो है वो हमारी मनोदशा के बारे में बताता है, और सूर्य जो है वो हमारा हमारा जो आत्मबल है उसके बारे में हमें बताते हैं। उसके बाद हम आगे आते हैं, छठा भाव। इसमें 6 नंबर की राशि हमने यहाँ पर रखी है, ये राशि जो है वो कन्या है। इसका स्वामी ग्रह जो है वो बुध होता है, और छठे भाव का रोग स्थान में सभी लगभग परिचित होंगे। मुझे लगता है कि जो छठा भाव होता है वो रोग का सबसे मुख्य भाव होता है, सबसे जो प्रथम रोगदायक जो कोई घर अगर माना गया है तो वो छठा ही माना गया है। साथ में उस पर चलते हैं, तो सातवां यहाँ पर 7 नंबर की राशि है। इसका स्वामी ग्रह जो है वो शुक्र होता है, और शुक्र हमारा पहले भी आया है, दूसरे में और सातवें में। एक अलग से बात बताना चाहता हूँ कि 2 और 7, ये दोनों जो भाव हैं इनको पराशर जी ने मारक भाव कहा है। द्वितीय भाव का स्वामी और सप्तम भाव का स्वामी, यानी ये जो 2 भाव हैं ये हमारे मारक होते हैं। और हमारे शास्त्रों में ये बात भी आती है कि जब आप किसी की चिकित्सा कर रहे हैं तो एक बात जो देखनी चाहिए, चिकित्सा करने से पहले ये अवश्य देख लेना चाहिए कि भाई उसकी आयु की क्या स्थिति है, और आयु की स्थिति, आयु कब समाप्त होगी। तो मैंने अधिकतर ये पाया है 80% चीजें इस प्रकार से होती हैं कि यदि किसी व्यक्ति की प्रबल मारक दशा चल रही हो तो उसका बचना फिर बड़ा मुश्किल होता है। यदि उसकी कुंडली में आयु समाप्त हो रही है और दशा भी आगे मारक ग्रहों की चल रही है, रोगदायक ग्रहों के साथ अगर मारक ग्रह की भी दशा चल रही है, तब वहां पर मृत्यु तुल्य कष्ट होना या मृत्यु हो जाना इस तरीके की संभावना होती है। तो 2रा भाव और 7वां भाव, इस प्रकार से इनकी बड़ी भूमिका होती है। मतलब इसको ये कह सकते हैं कि ये डायरेक्ट रोग नहीं देते, डायरेक्ट ये बीमारी नहीं देंगे, परंतु जब कोई ग्रह रोग दे रहा होगा तो वहां पर ये उसके कष्ट को तीव्र कर देंगे, उसके कष्ट को बढ़ा देंगे, मतलब उसको मृत्यु तुल्य कष्ट जो है वो दिलवा देते हैं। ऐसा ऐसी इनकी भूमिका होती है। आगे हम 8ष्टम भाव पर चलते हैं। 8ष्टम भाव को आयु का स्थान मानते हैं और ये कष्ट का स्थान भी है। 8 नंबर की राशि, ये राशि जो है हमारी मंगल की राशि होती है, और हमारे जो भी मंगल भी हमें ऊर्जा जो है वो देने वाले होते हैं, और ये जो 8ष्टम भाव होता है इसको आयु का प्रमुख भाव जो है वो माना जाता है, और रोग के संदर्भ में इसकी बड़ी भूमिका होती है। भूमिका किस प्रकार से होती है कि 8ष्टम भाव कष्टकारी भाव होता है। मैंने इससे पहले बताया कि यदि कोई रोगदायक दशा चल रही है उसमें अगर 2 और 7 की दशा चलती है तो वो मृत्यु तुल्य कष्ट की वहां पर संभावना हो जाती है, परंतु वहां पर अगर 8ष्टम की दशा चल जाती है, यानी 6ठा भाव हमारा रोग का भाव हो गया, उसके साथ साथ यदि कष्ट अत्यधिक जो कष्ट देने वाला भाव है 8ष्टम भाव, उसकी दशा भी अगर उसके साथ में चल जाए तो रोग जो है वो काफी ज्यादा जटिल हो जाता है, वो काफी गंभीर हो जाता है। मतलब उसको ये कह सकते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि वो चीजें जो बीमारी है वो जल्दी से पकड़ में नहीं आती, जल्दी से ठीक नहीं होती। हम आगे 9वां भाव पर चलते हैं। 9 नंबर की राशि धनु राशि, और गुरु जो है इसका स्वामी है, गुरु को शुभ ग्रह जो है वो माना गया है। तो 9वां भाव जो है हमारा भाग्य भाव होता है, हमारा धर्म का भाव होता है। तो ये जो भाव है, या गुरु अगर अच्छे भावों का हमारी कुंडली में स्वामी है और उसकी दशा आदि यदि है, तो ये कहीं ना कहीं रोग की शांति में भूमिका जो है निभाते हैं।
इसके पश्चात हम चलते हैं मकर मकर राशि। 10 नंबर की राशि मकर राशि होती है। इनके स्वामी ग्रह जो है वो शनि है, और शनि जो है इनको 2 राशियां मिली हुई हैं। 11 नंबर की राशि भी इनके साथ में है, कुंभ राशि जिसको बोलते हैं, और इसके स्वामी भी शनि ग्रह होते हैं। इसके बाद हम 12वां हमारा जो भाव है इसके ऊपर हम थोड़ा चर्चा करते हैं। 12वां भाव जो है वो 12 नंबर की राशि मीन राशि होती है, और मीन राशि का स्वामी बृहस्पति ग्रह होता है। तो ये सामान्य हमने देखा कि भी किस राशि का स्वामी कौन सा ग्रह होता है, और सामान्य हमने कुछ भावों को अभी यहाँ पर जोड़ा है रोग के संदर्भ में, पर हम आगे की साइड में इस पर विशेष चर्चा जो है वो करेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा ये जानेंगे कि हमारे जो हम ग्रहों का निर्धारण करते हैं कि हमारा कौन सा ग्रह शुभ है कौन सा ग्रह अशुभ है, तो उसके लिए हमें थोड़ी सी जानकारी चाहिए कि हमारी जो हम भारतीय ज्योतिष को जब हम पढ़ते हैं तो भारतीय ज्योतिष के जो मुख्य ग्रंथ हैं उनमें शुभ और अशुभ 2 प्रकार के ग्रहों के बारे में बताया है। बृहस्पति और शुक्र को शुभ ग्रह माना गया है। आप देख रहे होंगे सामने कि शुभ अशुभ और क्रूर ग्रह, ये 3 जो है हमने वर्गीकरण किए हैं। चंद्रमा और बुध ये 2 ग्रह शुभ भी होते हैं और अशुभ भी होते हैं। जो बिल्कुल शुभ ग्रह हैं वो तो बृहस्पति और शुक्र हैं, और जो हमारे खराब ग्रह अशुभ ग्रह जो माने जाते हैं, चंद्रमा यदि अमावस्या के आसपास का हो, उसका एग्जैक्टली तो वैसे ये बताया है कि वो यदि कृष्ण अष्टमी का है और शुक्ल अष्टमी तक, उसको अशुभ माना गया है क्योंकि वो पूर्ण नहीं होता उस समय पर, परंतु शुक्ल की अष्टमी जब आ जाती है उसके बाद वो धीरे धीरे विकसित होता है, और कृष्ण की सप्तमी तक कह सकते हैं उसको कि वो रहता है, अच्छी अच्छी उसकी किरणें हमारे तक पहुंचती हैं, उसको तब उस समय शुभ माना जाता है। बुध का ये प्रभाव होता है कि वो अच्छे के साथ अच्छा हो जाता है, बुरे के साथ बुरा बुरा रहता है। सामान्य ये बातें इसमें है। और बाकी रोग के संदर्भ में मंगल को खराब माना जाता है, रोगदायक माना जाता है, शनि को भी राहु को भी केतु को भी। अब जो सूर्य है उसको अशुभ ना मान करके क्रूर माना जाता है। तो मैं इसमें एक बात और ऐड करना चाहता हूँ। ये बात तो मैंने आपको शास्त्र के अनुसार बताई है, एक बात और ऐड इसमें करूंगा अपनी ओर से। मतलब आप ये देखिए कि शुभ ग्रह भी रोग देते हैं, अशुभ ग्रह भी रोग देते हैं। अशुभ ग्रह जो भी रोग देंगे उनकी पहचान ये होती है कि उसका निवारण आसानी से नहीं होता, जटिलता से होता है, कष्ट दे करके होता है। जो शुभ ग्रह रोग देते हैं तो वो जिसे कहते हैं कि वो एक दूध में पड़ा हुआ जहर होता है ना, उस प्रकार से होते हैं। रोग वो भी देते हैं, रोग ये भी देते हैं। तो दोनों ही ग्रह रोग देते हैं। प्रैक्टिकली अगर आप किसी ज्योतिषी से जिसने मतलब सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ा है, अध्ययन किया है, तो वो इस चीज को अवश्य जो है स्वीकार करेंगे कि ये दोनों ग्रह जो है शुभ हो चाहे अशुभ हो, वो रोग देने की सामर्थ्य जो है वो रखते हैं। क्योंकि रोग का जो निर्धारण होता है उसके कई पैमाने होते हैं। कुछ लोग ये समझ लेते हैं कि हमारे तो बृहस्पति की दशा भी चल रही है और 16 वर्ष तक हमें तो कोई ऐसा कष्ट नहीं होगा, ज्योतिषी भी हमें ये बात बता देते हैं, परंतु अब ग्रह की महादशा है 16 वर्ष की, उसमें फिर अंतरदशा भी सब ग्रहों की आती है, प्रत्यंतर भी सब ग्रहों का आता है, और फिर बृहस्पति यदि अपने आप पीड़ित हो रहा होगा वहां पर वो रोक दे देता है। तो ये मैंने सामान्य आपको शुभ अशुभ ग्रहों की बात कही। इसके साथ ही इन ग्रहों की दृष्टियां भी लिखी हुई है, ये रोग के निर्धारण में इनका हम प्रयोग करते हैं। सूर्य चंद्र मंगल बुध और शुक्र ये जिस स्थान पर बैठते हैं उससे ओपोजिट 180 डिग्री पर इनका एस्पेक्ट पड़ता है, यानी सप्तम भाव पर इनकी दृष्टि पड़ती है। तो ये जिसको भी देखते हैं वहां पर भाव को, उस भाव में जो कोई ग्रह बैठा होगा उसको भी जो है ये अपना प्रभाव देते हैं। तो अब दूसरी बात इसमें फिर मंगल की दृष्टि जिसमें बताई है, 4, 7, 8। तो मंगल जहां पर बैठा होगा, आगे इसका चार्ट इसमें बना हुआ है, वो हमें थोड़ा इजी इजीली पता लग जाएगा कि ये दृष्टि किस प्रकार से हम कैलकुलेट करते हैं। तो मंगल की दृष्टि 4, 7, 8 है, बृहस्पति की 5, 7, 9 है, शनि की 3, 7, 10 है, राहु की 5, 7, 9, केतु की 5, 7, 9। यद्यपि इनकी अन्य दृष्टियां भी मानी जाती हैं, अगर हम ताजिक की बात करें, हमारा जो वर्षफल के लिए जो बहुत अच्छा ग्रंथ माना जाता है, तो वहां पर जो दृष्टियां हैं वो बड़ी सूक्ष्म है, तो वो दृष्टियां भी जो है कहीं ना कहीं काम में आती हैं, वो भी लाभप्रद होती हैं। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड की चर्चा करते हैं।
इसमें सामान्य रूप से हमने ये बताया कि कौन कौन से भाव जो है हमारे किन शरीर के अंगों को रिप्रेजेंट करते हैं, और अगली स्लाइड एक बार करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड पर चलें। तो ये हमने सामान्य जैसे मेष राशि है, ये चर राशि है, वृष राशि है, ये स्थिर राशि है, मिथुन जो है ये द्विस्वभाव राशि होती है ना, चर स्थिर द्वि, इस प्रकार से इन राशियों का है ये, मतलब रोग के संदर्भ में इनकी इनकी क्या भूमिका होती है कि चर राशि में जो रोग होता है वो जल्दी होता है, जल्दी ठीक होता है, ऐसा सामान्य इतनी बात होती है, स्थिर में वो देरी से होता है, और जो ये द्वि स्वभाव होता है ये मतलब मध्यम का, ना तो बहुत जल्दी और ना बहुत देर से। बाकी आगे इनका इनके तत्व दिए हुए हैं कि किस राशि का क्या तत्व है, और इन राशियों का भी अपना स्वभाव होता है, जैसे कोई ग्रह शुभ होता है या अशुभ होता है, क्रूर होता है, सौम्य होता है, तो ये इन राशियों का आगे, और फिर इनके बाद इन राशियों के स्वामी हमने यहाँ पर रिपीट किए हैं सामान्य जानकारी देने के लिए। तो इसके बाद हम एक आगे नीचे की स्लाइड में है, जो हमें आगे ग्रहों की दृष्टि के बारे में बताता है, ये इसमें है, ये 12 नंबर की स्लाइड है, एक बार आप उसको ओपन करेंगे तो उससे हमें थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि दृष्टि को हम किस प्रकार से देखते हैं। ये 12 नंबर की स्लाइड होगी, यहाँ पर आगे नीचे जाएंगे तो ये यही वाली है, इससे इससे पीछे वाली जो दृष्टि है, इसमें इसमें देखिए ऊपर का अगर आप चार्ट देखें, ऊपर की कुंडली देखें, इसमें आप देखें कि शनि जो है वो सबसे पहले ऊपर वाले भाव में बैठा हुआ है। हमने पीछे दृष्टियों की जब बात की थी तो हमने ये पढ़ा था कि जो शनि ग्रह है वो अपने स्थान से 3, 7, 10 पर देखता है। तो शनि को देखिए, हमने शनि को जहां पर बैठा हुआ है शनि, उसको हम पहला नंबर लेंगे और फिर हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, तो 2, 3, तो हमने एक एरो का निशान दिया है, यानी शनि जब लग्न में बैठेगा तो वो तीसरे घर में जो भी ग्रह होगा उसको भी देखेगा, तीसरे घर को भी देखेगा, तो यहाँ पर ये अपना पूरा प्रभाव डालता है। फिर ऑपोजिट शनि जहाँ पर बैठा है उसके ऑपोजिट में, जहाँ पे 7 नंबर लिखा हुआ है वहां पर वो देख रहा है, और फिर जहाँ पर 10 नंबर लिखा हुआ है वहां पर भी देख रहा है, तो ये शनि का प्रभाव होता है। तो फिर उसके बाद आप दूसरा लेफ्ट वाला, इसमें दूसरा अगर आप देखेंगे तो उसमें मंगल की दृष्टि दी हुई है, ये दृष्टियों को समझने के लिए है और इसका भी हम प्रयोग करते हैं, करेंगे। इसमें अगर आप देखेंगे कि तो मंगल यहाँ पर चौथे घर में बैठा हुआ है, 4 नंबर की राशि में बैठा हुआ है, और मंगल की जो दृष्टि होती है अपनी, वो हम पीछे जो हमने देखा था वो 4 दृष्टि होती है, चौथी दृष्टि होती है और 7वीं होती है, और फिर उसकी 8वीं मुख्य दृष्टि होती है। तो आप अगर देखें तो मंगल जो है, अगर उसको काउंट करें मंगल से, तो 1, 2, 3 और 4, ये 7 नंबर पे एरो बना हुआ है, यानी यहाँ पर दृष्टि देगा। तो फिर मंगल जो है उसको अगर हम देखते हैं तो वो 10 नंबर पे भी वो ऑपोजिट यानी 180 डिग्री की 7वां आस्पेक्ट वहां पे देता है, और फिर उसके बाद 10 के बाद 11 नंबर, ये 8वीं दृष्टि मंगल की होती है। अब हम बृहस्पति की दृष्टि को देख लें, जो थर्ड वाला हमारा ये चार्ट बना हुआ है, इसमें देखिए बृहस्पति सेकेंड हाउस में है, और यहाँ पर थोड़ा सा इसमें चेंज है कि हमने शनि को तो पहले वाले भाव में दर्शाया है, बृहस्पति मंगल को चौथे भाव में दर्शाया है, और जब हमने बात की है यहाँ पर बृहस्पति की, तो बृहस्पति देखिए जो जन्म कुंडली होती है उसमें आपका लग्न में कोई भी राशि हो सकती है, ग्रह कहीं भी हो सकते हैं, तो इस राशि में, इस कुंडली में बृहस्पति आपका सेकेंड हाउस में है, जो हम सूर्य जहाँ बैठा है वो फर्स्ट हाउस है, और ये बृहस्पति जहाँ बैठा है ये हमारा सेकेंड हाउस है, और इसमें राशि है 4 नंबर की। अगर आप देखें, हमने पीछे पढ़ा कि बृहस्पति की 5, 7 और 9 आस्पेक्ट होती हैं, दृष्टियां होती हैं, तो अगर आप काउंट करें यहाँ से तो 4 से अगर आप देखेंगे तो 4 को हम पहला काउंट करेंगे, और एंटी क्लॉकवाइज काउंट करेंगे तो 5 पे दूसरा, 6 पे तीसरा, 7 पे चौथा, और ये 8 पे हमारा 5 नंबर आता है। तो ये बृहस्पति की शनि के ऊपर दृष्टि यहाँ पर पड़ती है, और फिर सामने 10 नंबर पे दृष्टि उसकी 7th आस्पेक्ट पड़ती है, और 9th आस्पेक्ट जो है उसकी यहाँ पर पड़ती है, जहाँ पर केतु ग्रह जो है वो बैठा हुआ है। तो ये आस्पेक्ट हमें सामान्य समझ लेने चाहिए जब हम कुंडलियों की बात जो है वो करेंगे। अब बेसिक जानकारी के लिए मैं एक चीज और भाई साहब आपसे कहूंगा कि एक बार आप जो हमारा 12, हाँ, जो 4 नंबर की हमारी, जो 5 नंबर की जो हमारी स्लाइड है, एक बार उसको आप ओपन करें। हाँ, ये इससे पहले वाली, ये 6 नंबर है, 6 नंबर, हाँ 6 नंबर वाली जो स्लाइड है,
इसके बाद आगे स्लाइड है 6 नंबर की, आप उसको ओपन करें। बस बस इसको अभी हम देखिए, भावों के बारे में पढ़ रहे थे और हम राशियों के बारे में पढ़ रहे थे, तो हम यहाँ से भावों के बारे में हमने उस समय अधिक बात नहीं की, और ये आपने अच्छा किया कि इसको थोड़ा बड़ा कर दिया। देखिए अब ये भावों की क्या इसमें भूमिका होती है, अगर आप देखें ये 1 नंबर ध्यान लिखा है, इसको लगन भाव बोलते हैं। ये हमारी जो भूमिका क्या है, इन सब भावों की क्या भूमिका है, तो हमारा जो सामान्य जो स्वास्थ्य होता है वो लगन से देखा जाता है। और जैसा आशुतोष जी ने पहले बताया कि काल पुरुष की कल्पना की गई है, और काल पुरुष जो है वो गोलाई में घुमा करके वो लेटे हुए हैं। जब वो गोलाई में घूमे हुए हैं तो उनका जो सिर का हिस्सा है, जो उनका ब्रेन है, जो खोपड़ी है, जो माथा है, वो पहले वाले घर में आ जाता है उनका। उसके बाद हम दूसरे घर पर चलते हैं तो हमारे जो, अगर हम देखेंगे 12 भागों में जो है हमारे शरीर को डिवाइड किया है, तो वो काल पुरुष के आधार पर किया है। तो यहाँ पर काल पुरुष का जो सेकेंड पार्ट है, जिसमें काल पुरुष की आंखें भी आ जाती हैं, राइट आई का वैसे इसको माना गया है, लेफ्ट आई का 12वीं को माना गया है, तो काल पुरुष के जो मुख है, जो उसके जो दांत हैं, जो उसका जबड़ा है, जो उसकी आंखें हैं, ये हमारे सेकेंड हाउस का, दूसरे घर का जो है विषय होता है। तीसरे घर का हमारा जो विषय होता है, जो हमारा जो गला है, हमारी जो कंधा है, मतलब हमारे शरीर में जो भी जो पार्ट हैं बाहरी और आंतरिक, वो उसी भाव से उनका जुड़ाव होता है। तो ये हमारा तीसरे भाव से, जैसे कंधा भी आ गया, इसमें जो बोन है वो भी आ गई, जो भुजाएं हैं वो भी आ गई। अब चौथे भाव की जब हम बात करेंगे, तो अगर हम गले से नीचे जाएं तो हमारी जो हमारा जो हार्ट होता है, हमारा चेस्ट होती है, ये हमारे जो डाइजेस्टिव ऑर्गेन होते हैं, तो ये सब हमारे इसमें फोर्थ हाउस से हम इनको लिया करते हैं। फिर हमारा जो पांचवा जो घर है वो हमारा एग्जैक्टली हमारा जो पेट का जो भाव होता है ना, जो पेट का घर है, और उस पेट में कौन कौन से हमारे जो अंग हैं वो यहाँ पर इसमें सब लिखे हुए हैं। और फिर उसके बाद थोड़ा पेट के नीचे की तरफ हम जाते हैं, तो पेट का जो निचला हिस्सा होता है, खासकर जो कमर आदि का होता है, तो ये हमारा छठा भाव। इसमें इसको देखते देखते इस चीज का ध्यान जो है वो रखें कि हमने 1, 2, 3 प्रकार से जो नंबर दिया है, जो चीजें जिस भाव से रिप्रेजेंट हो रही हैं वही चीजें उस राशि से भी रिप्रेजेंट होती हैं। यानी अगर हम कहते हैं कि 5 नंबर से हमारा जो पेट है स्थूल रूप से वो हमारा रिप्रेजेंट होता है, तो 5वें भाव से, तो 5 नंबर की राशि से भी वो चीजें इस तरीके से ही रिप्रेजेंट होंगी। अब जो उसके बाद 7वें पर आते हैं, हमारे जो जननांग होते हैं, जो आंतरिक जो जननांग होते हैं, और खासकर हमारा जो पेडू जिसको हम बोलते हैं नाभि से नीचे का हिस्सा होता है, वो 7वें भाव से आता है। और उसके बाद जो हम जो हमारे बाह्य जननांग होते हैं वो 8वें भाव से हमारा ग्रहण किए जाते हैं। 9वें भाव से हमारा जो कूल्हों का हिस्सा होता है, नितंब आदि का, वहाँ की जो हड्डियाँ आदि होती हैं वो वहाँ से ली जाती हैं। तो जिस प्रकार से आप देखेंगे कि लग्न से मतलब सिर से लेकर के नीचे की ओर हम आ रहे हैं, आगे के चित्र में भी वो चीज़ें हम देखेंगे। तो 10वां भाव जो है हमारा, जो हमारा जो घुटने होते हैं, हमारे उसके जो ज्वाइंट्स हैं, वहाँ की जो हड्डियाँ हैं, वो सारी उसमें काउंट होती हैं। और पाँव और घुटने के बीच का जो हिस्सा है, जो पिंडली पिंडली जिसे हम कहते हैं, वो वहीं पर 11वें भाव में आती हैं। और जो 12वां भाव होता है वो हमारे पांव का होता है। तो ये हम भाव से भी लेंगे और इनको हम राशियों से भी लेंगे। और इसको इसको इसकी विशेष रूप से एक चित्र के रूप में जानने के लिए आप एक 8 नंबर की स्लाइड है उसको एक बार ओपन करें, तो ये बड़ा इजीली जो है हमें समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार हमारी हमारा भाव, किस प्रकार से हमारी जो राशि है वो हमारे किस किस अंग को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो एक बार अश्लू जी आप कृपया 8 नंबर की जो हमारे पे चित्र बना हुआ है उसको एक बार ओपन करें। ये ठीक, इसमें आप देखेंगे तो मतलब बड़ा इजीली जो है आपको समझ आ जाएगा। एक तरफ इसमें शरीर के हमारे अंग जो है वो लिखे हुए हैं, और दूसरी तरफ हमने राशि और उसका जो भाव है वो भी इसमें आए हुए हैं। तो यानी जो हमारा सिर है वो हमारी मेष राशि पहला भाव, और जो हमारा फेस है वो सेकेंड हाउस टोरस राशि, और जो हमारा ये जो गर्दन का हिस्सा है वो 3रा भाव और मिथुन राशि,
उसके बाद चौथा भी इसमें आ जाएगा, फिर चौथा हमारा जो जो चेस्ट का भाव है ये हमारा फोर्थ है, तो कर्क राशि है इसमें, फिर पांच ये छाती के नीचे वाला हिस्सा यानी पेट का ऊपरी हिस्सा ऐसे ही, और फिर हमारा जो नीचे वाला जो पेट का भाग है वो छठे भाव में, और फिर इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं, ये सारा सिस्टम इस तरीके से बना हुआ है। तो इनका देखिए क्या उपयोगिता, उपयोगिता की बात करते हैं कि इनकी क्या उपयोगिता है और इनको हमें किस प्रकार से विचार करना चाहिए। तो बृहद जातक, लघु जातक के रचनाकार, उन्होंने ये बात कही, वहां पर श्लोक में भी वर्णित है बिल्कुल एज इट इज जो है वहां पर दिया हुआ है, उसमें एक बात उन्होंने कही कि जो हमारी राशि, जो हमारा भाव पाप ग्रहों से पीड़ित होगा, हमारा शरीर का वही पार्ट कमजोर होगा, उसमें रोग होगा, उसमें रोग की संभावना होगी। तो इस प्रकार से इनका प्रयोग किया जाता है। उन्होंने वहां पर यही बात कही कि पाप ग्रहों की युति अगर वहां पर है, पाप ग्रह यदि वहां पर बैठे हैं, मतलब मैं अगर आप ये कहूँ कि हमारे अगर लग्न भाव में पाप ग्रह बैठ गए हैं, तो हमारा जो ये सिर का जो एरिया है ये रोगग्रस्त होगा, और अगर सेकंड में बैठे हैं तो वो मुख संबंधी बीमारी को दिखाएगा, तो तीसरा जो है गले संबंधी को दिखाएगा, कंधे संबंधी को, हाथ संबंधी को। तो इस प्रकार से इनका प्रयोग जो है ज्योतिष में इनका किया जाता है। और अब हम आगे इसको और विचार करते हैं, एक बार थोड़ा सा हम ग्रहों को ले लेते हैं, ग्रहों वाला पार्ट हमने अभी अब नहीं छुआ है, उसको भी जानना थोड़ा सा जरूरी है कि सूर्य जो है, हमें हमने पीछे बात की थी कि सूर्य है हमें इम्यूनिटी जो है वो देते हैं, परंतु हमारा जो सिर है, हार्ट है, ब्रेन है, और ये इसमें दिए हुए हैं कि भाई कौन कौन से बॉडी पार्ट को ये हमारे रिप्रेजेंट करते हैं। अब दूसरा चंद्रमा जो है वो मन की स्थिति को जो है वो बताते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार मंगल जो है, जो हमारी मज्जा होती है उसको बताते हैं, और चंद्रमा और मंगल जो है इनका रक्त से हमारा बहुत जो है ज्यादा संबंध होता है, उसमें श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं और लाल रक्त कणिकाएं होती है, वो चंद्र और मंगल से जुड़ी होती हैं। अब बुध जो है हमारी बौद्धिक स्थिति को भी बताता है, हमारे नर्वस सिस्टम को भी बताता है, हमारी जो बातचीत होती है, हमारी जो सेंस होती है उनको भी बताता है। अब बृहस्पति को देखिए तो ये हमारे फैट जो है, हमारा स्टमक है, इंटेस्टाइन है, इनको बताता है। तो शुक्र को जो है वीर्य कारक भी माना गया है, शनि को हड्डियों का माना गया है, तो राहु केतु इस प्रकार के, तो ये यहाँ पर कौन कौन से बॉडी पार्ट को ये रिप्रेजेंट करते हैं, तो और कौन कौन सी बीमारी जो है ये देने की सामर्थ्य रखते हैं, ये हमने सामान्य इस बारे में हमने इसको देखा। तो इसके बाद हम एक बार स्लाइड हमारी थोड़ा आगे पीछे है, 13 नंबर की स्लाइड एक बार देखें, तो इसमें हम थोड़ा भावों के बारे में चर्चा करके, 13 नंबर की स्लाइड है, जी। देखिए इससे पहले हमने शुभ और अशुभ ग्रहों के बारे में पढ़ा, बात की उसके बारे में, सामान्य हमारे ग्रंथों में जो शुभ अशुभ ग्रह कहे गए हैं हमने उनको स्वीकार किया। पराशर मुनि जी बृहत् पराशर होरा शास्त्र में लिखते हैं, और उसके अनुसार हमने यहाँ पर उन ग्रहों को शुभ अशुभ कैसे उनका जो है निर्माण हुआ, कैसे वो ग्रह विशेष शुभ देने वाले या विशेष अशुभ देने वाले हो गए, इसके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। हमारे जो ग्रंथ हैं बृहत् पराशर होरा शास्त्र, उसमें लग्न पंचम और नवम, लग्न जो है वो सबसे पहला स्थान है इसमें, और पंचम जो है वो बिल्कुल उसका त्रिकोण बनेगा, जो ज्ञान लिखा हुआ है जहाँ पर और एक धर्म लिखा हुआ है, इन तीन भावों को शुभ माना है उन्होंने। तो अपने जब हम थोड़ा विचार करते हैं तो लग्न जो है वो व्यक्ति के स्वभाव को, उसके बुद्धि प्रयोग को बताता है और भी बहुत सारी चीजों को बताता है, परंतु सामान्य पंचम भाव जो भी हमारा अच्छा होता है, नवम भाव भी अच्छा होता है, और ये हमारा जो लग्न है ये भी हमारा अच्छा होता है, इसको धर्म त्रिकोण भी माना जाता है और इनको शुभ माना गया है बृहत् पाराशर के अनुसार। अब विशेष रूप से ये हमें काम आएगा कि रोग के निर्धारण में, इसीलिए मैंने इसका यहाँ पर प्रयोग किया। अब मैं बात करूंगा आपसे दूसरे और 12वें भाव की, मैं इकट्ठी बात करूंगा,
सेकंड हाउस में आप लिखा है यहाँ पर ये आय का भाव लिखा है, वैसे आय का भाव जो है वो 11वां माना गया है, परंतु धन आगम धन कमाना ये कहीं ना कहीं दूसरे भाव से भी जुड़ा हुआ है, धन का संचय भी इससे देखा जाता है। तो इसको शुभ भी कहा गया अशुभ भी कहा गया, 12वें भाव को शुभ अशुभ ऐसा कहा गया। पराशर जी ने बोला कि ये जैसे होंगे दूसरे के सहचर्य, ऐसे जिस भाव में बैठेंगे दूसरे के सहचर्य से फल देंगे। पर मैं संक्षेप में आपको ये बताऊंगा कि दूसरे भाव का रोल होता है, ये मारक ग्रह होता है, और रोग में जब मारक की दशा चलती है तो वो मृत्यु कारक या मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाली होती है। अच्छा, जो 12वां भाव है उसको जब हम जो बीमारी के हिसाब से देखेंगे तो उसको हम अशुभ गिनेंगे, क्योंकि हमारे ज्योतिष शास्त्र के अंदर 12वां भाव, प्रत्येक भाव से 12वां भाव उसके लिए नकारात्मक होता है, हानि का सूचक होता है। तो लग्न भाव जो है हमारे शरीर का भाव होता है, तो लग्न से जो 12वां है व्यय भाव वो लग्न के लिए हानिप्रद होता है, शरीर के लिए हानिप्रद होता है। तो रोग के दृष्टिकोण से लग्न भाव हमारा शुभ होता है, परंतु दूसरा भी अच्छा नहीं माना जाता क्योंकि मारक होता है, और 12वां भी अच्छा नहीं माना जाता क्योंकि वो हानि का व्यय का सूचक है। अब देखिए, तीसरे भाव को पराशर जी ने अशुभ कहा है, छठे भाव को अशुभ कहा है, अष्टम को सबसे ज्यादा अशुभ जो है वो कहा है, एकादश को भी अशुभ अशुभ कहा है। तो वहां पर त्रिषड आय 3, 6, 11 का वर्णन किया है। मैं केवल रोग के संदर्भ में बात करूंगा। तीसरा भाव जो है रोग के संदर्भ में अशुभ होता है। तीसरे भाव का एक नाम है दुश्चिक्य। जब हम संस्कृत आधारित ग्रंथों को पढ़ते हैं तो वहां से मतलब कुछ सूत्र मिल जाते हैं, तो दुश्चिक्य शब्द जो है वहां पर आता है, और दुश्चिक्य शब्द का मतलब होता है दुष्टा चिकित्सा यस्य, मतलब जिसकी चिकित्सा करनी जो है वो कठिन हो, जटिल हो। यानी जब तीसरा भाव भाव जो है रोग के संदर्भ में हम देखते हैं, तो तीसरा भाव जब रोग देने वाले ग्रह के साथ जुड़ करके रोग में सहयोग करता है तो वो भी इस प्रकार का रोग देता है जो आसानी से सही नहीं होता। तो छठा भाव जो है देखिए मैंने इसमें लिखा है रोग का है, अशुभ है। अब वो ये सबको मतलब पता ही है कि भाई छठा भाव रोग देने वाला है तो अशुभ है, रोग किसको अभिप्रेत होंगे, किसी को भी अभिष्ट नहीं होते। अष्टम भाव जो है वो कष्ट का है, ये पहले भी इस पर चर्चा की जा चुकी है। और इसमें एक सप्तम 4, 7, 10 ये 3 भाव जो हैं इनको सम उदासीन माना गया है। तो पराशर जी कहते हैं कि सुख जो है अगर अधिक मिल जाए तो वो नुकसानदायक ही होता है, बीमारियों को बढ़ाता है। अब जो व्यक्ति 2400 घंटे एसी में रहते हैं तो वो फिर बीमारियां तो होंगी ही, उनको सुख उनको इतना मिलता है तो फिर वो अपने मतलब शरीर को जो है प्रतिदिन के अभ्यास में कहीं दौड़ में व्यायाम में नहीं लगाएंगे, तो वो इसलिए 4, 7, जो ये 10 भाव हैं इनको उदासीन बोला है कि अगर आपको सुख ज्यादा मिल गया तो वो कष्टकारक है, शरीर के लिए नुकसानदायक है। 11वें भाव को अशुभ अशुभ जो है वो माना गया है। 11वां भाव यद्यपि इच्छा पूर्ति का है परंतु रोग के दृष्टिकोण से उसको अशुभ माना गया है। वो क्यों माना गया है कि जैसे हमारे यहाँ भावात भावम का सिद्धांत लेते हैं, तो अगर हम छठे से गणना करें तो ये छठे से छठा होता है, तो ये भी मतलब कहीं ना कहीं रोग के लिए रोग को बढ़ा बढ़ाने वाला होता है। तो ये पराचार्य जी का जो मत है वो इस प्रकार का है। तो अपनी चर्चा में केवल एक एक बात जो है मैं और कह करके मैं आज के अपने वक्तव्य को मैं विराम दूंगा। एक पीछे हमारे पास ये था 10 नंबर की स्लाइड है, उसको एक बार आप ओपन करें। जी, बस बस केवल यही। इसमें मुख्य रूप से आप देखेंगे जो मैं बात कह रहा था मेरे संक्षेप में इसमें वो आ गई, हमारा छठा भाव जो है मुख्य रोग स्थान है। जब हम रोग की बात करेंगे तो सबसे पहले छठे भाव का ही विचार करेंगे, और उसमें जो सहायक जो भाव हैं वो हमारा है तीसरा, 8वां और 11वां और 12वां भी उसमें सहायक है। और जो मारक भाव हैं ये जब आयु की बात आएगी तब वहां पर इसका विचार किया जाएगा। तो ये आधारभूत जानकारी रोग के दृष्टिकोण से अनिवार्य है, बहुत जरूरी है, इसके इसके बिना जो है ये हम इसमें कार्य नहीं कर सकते। तो अब मैं थोड़ा सा आपको इसका एक सूत्र जो है अपनी ओर से बताना चाहूंगा। स्लाइड नंबर 14 है
और इसमें स्लाइड नंबर 14 में हम देखेंगे, मतलब ये पहला सूत्र है जो हमें ये बताता है कि रोग का निर्धारण हमने करना कैसे है। जी बिल्कुल ठीक है। तो देखिए, मैं आपसे अभी तक यही चर्चा कर रहा था मुख्य रूप से कि हमारा जो छठा भाव है वो रोग प्रद होता है। हमें जब ये निर्णय करना है कि इस व्यक्ति को कौन सा रोग है, शरीर के कौन से अंग में रोग है, तो सबसे पहले जो विचार करना चाहिए वो ये करना चाहिए कि जो हमारा छठा भाव है हमें उसके स्वामी को देखना चाहिए। हमें यह देखना चाहिए कि छठे भाव में कौन सी राशि पड़ी हुई है। वहां पर एक नंबर की राशि है जो मेष है, उसका स्वामी मंगल है। दो नंबर की राशि है वो वृष है, उसका स्वामी शुक्र है। तीन है तो मिथुन है, उसका स्वामी बुध है। इस क्रम में जो हमने पहले आधारभूत जानकारी ली थी, तो सबसे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि उसका स्वामी ग्रह जो है वो कौन है और वो कुंडली में कहाँ पर बैठा हुआ है। और ये देखिए कि कुंडली में वो जिस घर के अंदर बैठा हुआ है, वो हमारा जो घर, वो किस हमारे शरीर के पार्ट को निर्देशित करता है। उदाहरण के लिए यदि वो एक नंबर, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, यदि वो एक नंबर में जाकर के बैठ जाता है, यानी छठे भाव का जो लिंक है एरो से, जो अगर एक भाव से हो जाता है, तो उस व्यक्ति को दिमाग की बीमारी होगी, बौद्धिक ब्रेन संबंधी जो है उसको कष्ट होगा। जब वो दूसरे में चला जाएगा तो वो मुख संबंधी विकार को दिखाएगा, तीसरे में जाएगा तो गले संबंधी, चौथे में जाएगा तो छाती संबंधी, पांचवा पेट संबंधी, छठा कमर और पेट का निम्न हिस्सा, और जो ये हमारा सातवां है तो ये आंतरिक गुप्तांग और ये बाह्य गुप्तांग, फिर ये कूल्हे, घुटने, पिंडली, पैर, इस प्रकार से जो है ये दिखाता है। तो ये पहला सूत्र, मतलब मैं आपको अपनी ओर से हमारे जो शास्त्र हैं वहीं से मतलब उद्धृत किया हुआ है, और ये एक सिस्टम है। मतलब मैंने जो इसको अनुभव किया है कि जब हम सबसे पहले हम रोग का, जब रोग के दृष्टिकोण से विचार करें, तो सबसे पहले हम ये देखें कि छठे भाव का स्वामी कुंडली में किस राशि में बैठा हुआ है और किस भाव में बैठा हुआ है। उस राशि और भाव से जो हमारे शरीर के अंग देखे जाते हैं ये वहां पर रोग देते हैं। तो कल हम इसको प्रायोगिक रूप से इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो मैं अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूँ। आगे भाई साहब जैसा कहेंगे वैसा करते हैं। सभी को प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। आपने इतना स्पष्ट रूप से इन बातों को रखा है हमारे सामने कि एक पूरी भूमिका आपने हमें स्पष्ट कर दी कि इस मेडिकल एस्ट्रोलॉजी को हम लोगों ने देखना कैसे है, जानना कैसे है, समझना कैसे है। केवल ये तुक्के वाली बातें नहीं है, इतना ज्ञान अपेक्षित है और सारे का सारा बड़ा सिस्टमेटिक और बड़ा लॉजिकल है। आपने जो प्रस्तुति दी है वो वाकई हम लोगों के लिए बड़ी ज्ञानवर्धक रही है, और निश्चित रूप से अगर इसका हम ठीक से अभ्यास कर पाए तो बहुत सारी बीमारियों के बारे में हम पूर्वानुमान लगा सकते हैं। लेकिन अभी जो है हमारा विषय है ओपन हाउस डिस्कशन। हमारे साथ कई लोग जुड़े हुए हैं। अगर किसी के कोई टिप्पणी है, कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, वो हमारे साथ साझा कर सकते हैं। डॉक्टर साहब उससे बात करेंगे और कल जो है हम इसका थोड़ा सा अभ्यास भी करेंगे, कुंडलियाँ कैसे देखनी है, और आप अपनी कुंडली के हिसाब से प्रश्न भी कल कर पाएंगे। तो मैं चाहूँगा कि पहले डॉक्टर मनमोहन जी अगर अपनी बात हमारे साथ साझा करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा, अगर वो अपनी टिप्पणी हमारे साथ साझा करें इस विषय पे। नमस्कार सभी को। अभी डॉक्टर साहब ने बहुत ही डिटेल में और खास करके बिगनर्स के लिए बहुत ही अच्छी प्रकार से समझाया सारा सिस्टम जो है। मैं सामान्य जानकारी के लिए अभी जो लास्ट में छठी स्लाइड स्लाइड दिखाई लास्ट वाली, कि छठे स्थान के स्वामी की जो स्थिति है उसके अनुसार रोग पर हम विचार हमें करना चाहिए। तो ये छठे स्थान के स्वामी की स्थिति क्या
केवल कुंडली पर देखनी है या गोचर में या महादशा में या तीनों पर लागू होता है, थोड़ा इस पर प्रकाश डालिए। जी बहुत धन्यवाद, आपका प्रश्न बहुत अच्छा लगा मुझे। देखिए सबसे पहले ये तो क्या है कि जब हम जन्म कुंडली को देखेंगे तो जन्म कुंडली से हम ये निर्धारण करेंगे कि इस व्यक्ति को कौन से अंग में रोग का योग बनता है, उसके लिए हम जन्म कुंडली देखेंगे। छठे भाव का स्वामी जिस भी भाव में बैठ जाएगा तो उस भाव से संबंधी वो रोग देता है, रोग की संभावना देता है। जो रोग देता ही है, संभावना सिर्फ प्रतिशत के आधार पर होती है कि कितने 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 प्रतिशत देगा। अब दूसरी बात, जब हम बात करते हैं दशा की, दशा और गोचर जो है वो कब देगा रोग, यहाँ पर दशा का और गोचर का जो योगदान है वो यहाँ पर आता है। निर्धारण कुंडली से होगा, परंतु उसका जो समय वो कब आएगा उसके लिए हमें गोचर को दशा को देखना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, मैं चाहूंगा कि कल आप कुछ एक कुंडलियां लेकर के हमें प्रैक्टिकल उदाहरण दीजिए कि इस व्यक्ति का कब में जो है वो रोग की संभावना है और किस प्रकार के रोग की कब संभावना बनेगी, तो उसको हम कैसे अंतरदशा महादशा और ये सारी। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं वो हमें हमारा कल का कार्य ही यही है कि आज हमने थोड़ा बेसिक का जो है वो जाना और कल हमने उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना है। अभी तो आज तो मैंने खैर एक ही सूत्र के ऊपर बात की क्योंकि जैसा समय है उसके अनुसार मैं ज्यादा उस पर नहीं बात कर सका या नहीं कर सकता था। कल मैं दो तीन और सूत्रों को साथ में लेकर के और फिर उसमें दशा भी और गोचर भी और उदाहरण कुंडली उसको भी हम लेंगे। जी जी, ताकि ये स्पष्ट हो सके कि मतलब ये, क्योंकि एक तो थ्योरी पार्ट तो बिल्कुल आपने सही हमें समझाया, लेकिन थ्योरी समझने के लिए वो उतना प्रैक्टिकल अगर साथ करेंगे तो मुझे लगता है कि वो ज्यादा हम लोगों को स्पष्ट हो जाएगा। नहीं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आनंद भी उसमें आएगा जब हम सूत्र को पढ़ते हैं और फिर हम इस पर अप्लाई करते हैं और फिर हम इस पर परिणाम मिलते हैं तो वो फिर हमें एक संतुष्टि देता है कि हाँ हमने कुछ अच्छा किया और एक फिर हमें विश्वास होता है कि हाँ ये हमने जो सूत्र पढ़े हैं ज्योतिष के ये कारगर हैं, काम करते हैं। हाँ, और कल अगर इस संभावना बने जब कि इस ये जो रोग की पहचान है इसके बाद इस रोग के निदान जो है क्या वो भी कुछ इसमें सुझाए गए हैं या नहीं सुझाए गए, उस पे भी हमें थोड़ा सा संक्षेप सी उस पे भी चर्चा। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, उसके ऊपर भी चर्चा हमें प्रैक्टिस करवा दें या प्रैक्टिकल हम लोग करें। जी तो वो जरूर, क्योंकि ये कुछ एक विषय थे जिनके बारे में मैंने शुरू में चर्चा की थी कि ये जो बायोकेमिक सॉल्ट्स हैं ये किस तरह से जो है वो आपस में जुड़े हुए हैं। मतलब मन तो करता है कि हम इन सारे विषयों को लेते चलें और इसको पूरा एक हफ्ता 10 दिन की वर्कशॉप के रूप में लें और साथ साथ जो है वो ये जो मुझे लगता है कि ये चीजें होम साइंस के लिए बड़ी उपयोगी हो सकती हैं कि किस तरह से जो है वो राशियों के हिसाब से ज़ोडिक साइंस के हिसाब से जो है हम भोजन आदि की व्यवस्था और कौन से हर्ब्स और कौन से प्लांट्स जो है हो सकते हैं, इन सब चीजों को हमें डिस्कस करना चाहिए। लेकिन अभी हम थोड़ा सा फोकस कल जो है वो इसी विषय पे करेंगे कि किस तरह से हम अपने रोगों को पहचाने, उनका पूर्वानुमान करें, वो कब से कब तक रहेंगे, कब उभरेंगे, कब वो सबसाइड करेंगे, इन सब विषयों के ऊपर कल एक प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन भी हम कल देखेंगे। तो यदि किसी और की कोई टिप्पणी हो तो मेरे साथ डॉक्टर अनिल जी बैठे हैं, वो भी एक कोई टिप्पणी या प्रश्न करना चाहते हैं। डॉक्टर साहब मैं तो करना एक, अभी मेरे बेटे को ना अभी एक रोग हो के चुका है कि उसके लंग्स में पानी भर गया था, तो कल मैं अगर उसकी कुंडली ले आऊं तो उसके ऊपर भी हम चर्चा कर सकते हैं क्या? देखिए मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, आप कुंडली अगर हमने चर्चा करनी है तो कुंडली हमें अगर पहले मिल जाएगी तो हम उसका जरूर विचार कर सकते हैं। हाँ ना, वो आप भाई सर को दे दीजिए, कोई बात नहीं। कारण ये होता है कि हमारे पास क्या होता है कि कुंडली होता है, कुंडली होती है बनी हुई, फिर हम उसके ऊपर थोड़ा चिंतन मनन करते हैं, सारे जो रूल रेगुलेशन है उनको अप्लाई करते हैं, तो ये क्या होता है कि ऑन द स्पॉट ये चीजें कई बार नहीं हो पाती ना जी। कई बार क्या होता है कि मान लीजिए हमने कोई रूल छोड़ दिया तो उससे पहले यदि हमें समय मिल जाता है 20 मिनट का कम से कम समय जो है वो मिल जाए तो फिर हम अपनी ओर से अच्छे से अच्छा जो है एक आपको बता सकते हैं उस बारे में। तो इसलिए कुंडली यदि पहले आपको डेट ऑफ बर्थ और टाइम दे दूं बेटे का
तो क्या आप थोड़ा सा उसको एनालाइज करके कल इसके ऊपर हम कर सकते हैं हाँ कुछ? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल 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 कर हाँ सकते हैं, जी, कोई ऐसी बात तो मैं आपको अभी दे देंगे इसके समाप्ति के बाद, ठीक है वो जी जी इनके साथ शेयर करें। किसी और का कोई प्रश्न हो, कोई और विचार हो, कोई टिप्पणी हो, असहमति हो? डॉक्टर आशुतोष जी, मैं आपसे एक पूछना चाह रहा था कि साल्ट्स का भी आपने चार्ट तो दिखाया अभी, हाँ इसका आधार क्या है? सर, इसका आधार आपके शास्त्र ग्रंथ हैं। जब आप उन शास्त्रों को देखेंगे तो उन शास्त्रों में आपको इस तरह की व्यवस्थाएं मिलेंगी। ये तो केवल हमने टेक्नोलॉजी की मदद से उसको जरा कॉम्पैक्ट कर अच्छा, दिया है, जोड़ दिया है और कुछ नहीं। और दूसरा दूसरा इसमें राशि जो है ये वेस्टर्न टाइप से दी गई है, सूर्य आधारित दिखाई है आपने राशियां? नहीं, नहीं, ये भारतीय पद्धति से है जी, सूर्य आधारित राशियां है सारी ये। हाँ जी हाँ जी। अभी किसी ने बीच में हाथ उठाया था, नाम नहीं देख पा रहा हूँ। एक छोटी सी क्वेरी थी, हम आई थिंक जो अभी मनमोहन जी ने भी वही क्वेश्चन उठाया है कि हम ये साइन साइन सिस्टम से देख रहे हैं या निर्यन से? जी मुकेश जी, मुकेश जी आप सुन पा रहे हैं? हमारे मुख्य वक्ता कहाँ चले गए? इसका वही उत्तर देंगे। हेलो, हाँ जी जी, जी, जी। डॉक्टर साहब का प्रश्न है कि ये निरायण से है या सायन पद्धति से है? देखिए हमारी भारतीय तो निरायण पद्धति है जी, तो ये निरायण पद्धति से ही है। असल में ये क्वेश्चन को करने का मेरा जो कारण था वो आशुतोष जी की जो ये शीट्स हैं वो मुझे लग रहा है कि साइन के हिसाब से हैं। जी डॉक्टर साहब हो सकती हैं क्योंकि ये तो अभी हमने केवल एक सामान्य जानकारी के लिए रखा है डॉक्टर साहब। हाँ लेकिन इस विषय को और जब गहरे लेंगे, ये थोड़ा सा वो टेक्निकल सवाल हो जाते हैं जो फिर जो जिनको पता है इस विषय का वो फिर तभी उनको लिया जा सकता है। अभी तो केवल ये है कि ये कितना हम लोगों को जानकारी दे सकें, प्रशिक्षण दे सकें कि ये सारा व्यवस्था कैसे है, क्योंकि साइंस के नाम पर जो एक सिस्टम होता है और लॉजिकल सिस्टम होता है वो यहाँ पे दिखाने का पर्पस है, और फिर उसको हमने उपयोग में कैसे लाना है ये दूसरा है। बिल्कुल सही है, और मैं सबसे पहले आपको भी और अपने आदरणीय स्पीकर को भी सभी को इस बात का धन्यवाद तो दूंगा ही कि अब ये चीजें कम से कम अब लोगों को सीखने का मौका मिल रहा है और बहुत सारे लोग इससे जुड़ेंगे भी। और एक जो कंफ्यूजन क्रिएट किया जाता रहा है कि हमारे सिस्टम में हमने कुछ किया नहीं है, वो सब बाहर आने का मौका जी जी जी, इसलिए आप सभी बधाई के भी पात्र हैं और धन्यवाद के भी। बहुत अच्छी ये है कोशिश, और आई एम श्योर कि आगे भी कुछ ना कुछ हम इसको बढ़ाएंगे। जैसे आपने बहुत अच्छा बोला है कि ये तो एक लंबी लंबी सीरीज की जरूरत है इसमें। जी जी बिल्कुल, हम लोगों ने एक काम शुरू किया था, ये जो प्लांट्स और हर्ब्स को है इनको राशियों के हिसाब से ज्यादा कर रहे हैं कोशिश, और ये जो बायोकेमिक सॉल्ट है इनको भी इसी तरह से जो है जॉडिक साइंस के आधार पर अगर इसको देखा और समझा जाए तो मुझे लगता है बहुत कुछ निकल के आ सकता है, लेकिन थोड़ा धैर्य अपेक्षित है, तो वो आप लोगों के साथ फिर दोबारा चर्चा करेंगे। और एक छोटा सा प्रश्न है सिर्फ जी, वो है स्पेसिफिक राहु के साथ संबंधित, क्योंकि पराशर से यदि दृष्टियां ले गई हैं तो उन्होंने राहु की 12th दृष्टि को भी पूर्ण दृष्टि माना। जी मुकेश जी, जी, जी नहीं ये अलग अलग नहीं, आप जी नहीं, आपका जो प्रश्न है बिल्कुल सही है और वो प्रैक्टिकली अप्लाई भी होती है। 12वीं दृष्टि जब मैं चर्चा कर रहा था तो मैंने मुख्य मुख्य दृष्टि ले ली थी, पर जो राहु की जो 12वीं दृष्टि है वो निश्चित रूप से अप्लाई होती है उसकी उसमें। अब वो 12वीं दृष्टि का कारण क्या है वो आप जानते होंगे? नहीं सच बताऊं तो मैंने उधर नहीं सोचा कि 12वीं दृष्टि का कारण क्या है इसका, और इसके साथ ही केतु का भी प्रश्न खड़ा हो जाता है, क्योंकि कुछ ग्रंथ ऐसे भी हैं जो ये आर्गुमेंट देते हैं कि केतु के पास आंखें नहीं है तो देखेगा कैसे, उससे मैं कम से कम सहमत नहीं हूँ। मैं ये मानता हूँ कि इन दृष्टियां सभी की बिल्कुल, देखिए ये हमारे जो देखो ग्रंथों में जो बातें हैं वो प्रतीक रूप में भी हैं, तो ये वास्तव में जो दृष्टि है वो क्या होती है? दृष्टि जो है ना ये समझ लीजिए कि जैसे आपके पास एक टोर्च है ना, ऐसे ही जो ग्रह हैं वो भी टोर्च की तरह हैं, उनमें भी रोशनी है, उनकी भी अपनी वाइब्रेशन है, तो
उनकी जो वो वाइब्रेशन है या उनके जो वो प्रकाश है वो कितने डिग्री पर आगे जो है वो जा रहा है, उस बीम की जो लाइट है वो किस एंगल पे जा रही है, एक्चुअल में दृष्टि ये होती है। तो वो आंख होने ना होने का कोई अंतर नहीं पड़ता, वो तो हमें समझाने के लिए बिल्कुल चीजें कही गई हैं। बिल्कुल तो जो और मैंने बातचीत जो है वो जब हम जी हम जब बातचीत कर रहे थे तो मैंने उसमें ये बताया था कि हमारी जो दृष्टियां हैं, जो ताजिक की जो दृष्टियां हैं वो वेस्टर्न वालों ने चोरी की हैं। ताजिक नीलकंठी अगर आप देखेंगे उसके अंदर जो दृष्टियां हैं वहां पर शत्रु दृष्टि, गुप्त शत्रु दृष्टि, मित्र दृष्टि, गुप्त मित्र वैर दृष्टि, वो जो सारी दृष्टियां हैं वो वेस्टर्न ने हमारी जो है वो मतलब उठाई है, वेस्टर्न वालों ने उनका यूज जो है वो किया है। तो हमें ये पढ़ाया जाता है कि भाई ये दृष्टियां केवल यही होती हैं 5-7 नौ। तो दृष्टियां 12वीं दृष्टि राहु की है, बिल्कुल है। और वो क्यों है? क्योंकि राहु जो है वो रेट्रोग्रेड मोशन में चलता है, उल्टा चलता है। वो ग्रहण करता है ना, तो सूर्य जब उसके पीछे होता है, मतलब कुंडली में पीछे होता है और राहु आगे से आता है, तो वो राहु सूर्य की ओर बढ़ता है, सूर्य राहु की ओर बढ़ता है। तो राहु अपने से 12वें भाव की ओर गति करता है, बाकी जो ग्रह है राहु के को छोड़ करके। तो वो उनकी जो मूवमेंट है वो आगे होती है, सूर्य चंद्रमा की सदैव आगे मूवमेंट होती है। और जो बाकी 5 ग्रह है हमारे, वो उनकी मूवमेंट जो है वो सामने भी होती है और पीछे भी होती है, वक्री होते हैं, मार्गी होते हैं। परंतु जो राहु है वो बैक साइड में चलता है, रेट्रोग्रेड मोशन में चलता है, वक्री गति में चलता है, इसलिए उसकी 12वीं दृष्टि कही गई है और वो 100% काम करती है। जी इसे मैं एक छोटा सा बस ये मेरा लास्ट प्रश्न है कि जब हम दृष्टियां देख रहे हैं कई बार एक ग्रह डिग्रीज में बहुत आगे भी हो सकता है, कोई पीछे भी हो सकता है, तो अंशों का प्रभाव नहीं होना चाहिए। उस कारण से कभी कोई 5वीं दृष्टि जैसे आपने दिखाई है कि दूसरे घर से छठे पे जाए, हो सकता है वो 7th को भी देख रही हो। जी, तो एक इसमें बार आप दोबारा से आप या प्रश्न करिए डिग्रियों मुझे। का महत्व लेते हैं, मतलब इसको कैसे देखेंगे हम, ये थोड़ा कंफ्यूजन तो रहता है कि राशियों के देखिए हिसाब नहीं से वो दृष्टि नहीं बन रही देखो, है अगर आपको पुरुषों के। आपको आपको नहीं, इसमें देखिए मैं अब उत्तर दूंगा इसका। इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। जो हम दृष्टियां लेते हैं स्थूल रूप से हम दृष्टि ले लेते हैं, परंतु जब आप पहली कक्षा में पढ़ते हैं, फिर दूसरी तीसरी आगे जब जाते हैं ना, तो फिर अंशों का वहां पर योगदान होता है। तो आप जब मतलब ज्योतिष के अच्छे ग्रंथों को पढ़ेंगे तो वहां पर वो लिखते हैं कि भाई बिना ग्रह स्पष्ट के और बिना भाव स्पष्ट के कुंडली को आप देख नहीं सकते। तो वो स्पष्टीकरण जो है वो क्यों किया गया है, वो इसीलिए कहा गया है। तो इसलिए उनकी बड़ी मतलब वो अनिवार्य है, पर वो मतलब स्टार्टिंग में नहीं उसके बारे में हम बता सकते। मतलब बहुत ज्यादा वो कंफ्यूजन जो है वो खड़ा हो जाता है, क्योंकि सूक्ष्म चीज को पहले नहीं बताया जा सकता, पहले स्थूल चीज को ही बताया जाएगा। चलिए इस धन्यवाद। विषय को कल थोड़ा और विस्तार से लेंगे। तो अब हमारा एक प्रश्न और आया है, डॉक्टर रूपिका भनोट मैडम जलंधर से हैं। जी मैम, मैडम रूपिका अपने को अनम्यूट करके प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। हाँ जी, सभी को सादर नमन। मैंने ज्वाइन तो अभी लेट ही किया है, तो जो चर्चा हुई और जो विषय पर जिस दृष्टि से विचार किया गया उससे मैं पूरी तरह से अवगत नहीं हूँ। लेकिन मैं पिछले दिनों इस विषय पर पढ़ रही थी, तो एक मेरा प्रश्न है वो मैं पूछना चाह रही हूँ, अगर आज्ञा हो तो मैं निवेदित करूँ। जी सर, ग्रह और नक्षत्र में क्या फर्क होता है? ओके जी डॉक्टर साहब। जी, मेरे पास इनकी आवाज ना वो बिल्कुल स्पष्ट नहीं आई, हाँ तो वो बीच बीच उन्होंने में से आई। पूछा, तो हाँ उन्होंने पूछा है अगर ग्रह ऐसा होगा नक्षत्र। तो या तो अभी हमारा ना अभी आपकी आवाज थोड़ा सा बीच में कट रही है, तो डॉक्टर साहब अभी मैडम मुझे ने प्रश्न सुनाई नहीं दिया और ढंग से। ओके ओके डॉक्टर मैडम ने पूछा है कि ग्रह और नक्षत्र में क्या अंतर है। मेरी आवाज आई आप तो तक? आपको रिपीट करना पड़ेगा एक बार, हाँ, ग्रह और नक्षत्र में अंतर क्या है वो मैडम? बीच में आवाज जो है ना वो गूंजने से वो क्लियर नहीं हो रही। नहीं, या डॉक्टर हम ऐसे करते हैं, बात जो है प्रश्न कल ले लेते हैं, और भी जो प्रश्न होंगे कल ले लेंगे उनको। चलो वो तो ठीक है, लेकिन ये तो आप ही बता देंगे अंग्रेज जी। ये तो ये है कि जो आपके 9 ग्रह हैं और 27 नक्षत्र हैं। 9 ग्रह जो हैं वो ये पृथ्वी के इर्द गिर्द, और ग्रह शब्द से ही आप समझें कि जो ग्रहण करता है आपको पकड़ता है,
तो जब आपका जन्म होता है, जिस समय और स्थान में जन्म होता है, तो उस वक्त जो 9 ग्रह हैं वो आपके व्यक्तित्व को निर्धारित कर देते हैं। और ग्रह जो है ये एक तरह के सूर्य के चारों ओर घूमने वाले हैं, और ये जो 27 नक्षत्र हैं इनकी स्थिति जो है वो अलग तरह से चलती है, और ये अलग अलग राशियों में बटे हुए हैं। तो इनकी व्यापक चर्चा और आप थोड़ा सा जानना चाहें तो वो सारी अवेलेबल है, कोई इसमें दिक्कत ऐसी नहीं है। तो दोनों अलग अलग हैं, ग्रह और नक्षत्र दो अलग अलग चीजें हैं, बिल्कुल एस्ट्रोनॉमी के हिसाब से भी और ज्योतिष के हिसाब से भी, और वैसे भी अगर आप देखें 27 नक्षत्र और 9 ग्रह फिलहाल के लिए काफी है मैम। मैडम रूपिका, चलिए आज का ये कार्यक्रम हम यहीं पूर्ण करते हैं, और कल दोबारा मिलेंगे आगे की चर्चा करने के लिए और प्रैक्टिकल करने के लिए कि हम इस सब का कैसे उपयोग करेंगे और कैसे इन सब चीजों को देखेंगे। तो मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ, वोट ऑफ थैंक्स के लिए डॉक्टर अनुभा जैन जी, जो कि कन्वीनर हैं इस वेबिनार की, इस वर्कशॉप की। मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि वो वोट ऑफ थैंक्स जो है वो प्रपोज करें। डॉक्टर अनुभा जी, सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैडम अनुभा, मानव स्वभाव ही ऐसा है, वो हर कुछ आगे पीछे ऊपर नीचे सब जाने के लिए प्रस्तुत है। और जब बात विषय बारे में आए, जैसे कि आज की सारी स्लाइड जितनी भी डॉक्टर मुकेश जी ने दिखाई है, उसमें हर स्टेप को देखते हुए ये जानने का प्रयास होता था कि इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या है, हमारी भूमि है या नहीं। पढ़ते पढ़ते एक तो डॉक्टर ऐसे ऐसे है, पढ़ते पढ़ते एक वाक्य छोटी सी कहानी पढ़ने में आई इसके ज्योतिषी के गणितीय शास्त्र की तरफ से ही, कि एक राजा थे और उन्होंने अपने गणित के आधार पर जो उनके ज्योतिष थे उसको कहा, उसकी परीक्षा लेने का मन हुआ और उसको कहा कि अच्छा ठीक है, आज शाम को जो कुछ भी मैंने खाने में खाना है, रात के भोजन में लेना है, उसकी तुम सूची बनाओ। और ये कहकर और वो रसोइये के कान में कुछ कहकर और चले गए। अब जब वो चले जाते हैं तो उनको लगा कि ये क्योंकि 56 भोग का उनका भोजन होता है कि ये सारा दिन लग जाएगा इनको भोजन की सूची बनाते बनाते, और रात को देखते हैं क्या होता है। उन्होंने एक कागज पे, जो ज्योतिष थे उन्होंने कागज पर लिखकर और अपने रसोइये को दे दिया, मंत्री को दे दिया, और वो राजा भी रसोइये के कान में कुछ ना कुछ कहकर चले जाते हैं। जब रात हुई, रात के खाने पर आए, तो रसोइये ने एक छोटा सा बाउल उनके सामने, एक पात्र जो है उनके सामने रख दिया, और उसमें उनका भोजन क्या था, खिचड़ी। अब राजा मनी मन ये खुश हो रहे थे कि ज्योतिषी तो मेरे खाने के बारे में उनको कुछ पता ही नहीं होगा, उन्होंने कुछ लिखा, उन्होंने तो लिखा होगा 56 भोग या बड़ी लंबी लिस्ट होगी। तो जब वो रसोई उससे कहते हैं, ज्योतिषी जी से कहते हैं कि आप बताओ आपने क्या लिखा है, तो वो एक छोटी सी पर्ची निकाल कर दे देते हैं मंत्री, और उस पर लिखा होता है खिचड़ी। सोच के राजा बड़ा खुश होता है और वो उनको अपना मंत्री नियुक्त कर देता है। तात्पर्य क्या हुआ कि जब हमें अपेक्षित जवाब मिल जाता है तो हमें ज्योतिषी पर अपने विश्वास हो जाता है। आकाश में रहने वाले जितने भी ग्रह हैं, जैसे मैंने जैन ज्योतिषी के बारे में भी पढ़ना शुरू किया, हालांकि ये मेरा विषय नहीं है, लेकिन फिर भी जब मुझे एक अपनी ड्यूटी सौंपी गई थी तो मैंने भी इसके बारे में कुछ पढ़ना शुरू किया। पढ़ते पढ़ते इसमें जागरूक भी हुई और उत्सुकता भी हुई, तो मुझे पता चला जैन परंपरा के अनुसार, मैं सिर्फ 2 लाइनें यहाँ पर रखना चाहूंगी, मुझे नहीं पता कि मेरे वक्तव्य से सभी लोग सहमत होंगे या नहीं होंगे, आप सभी विद्वजन मेरा इस बात का समाधान करेंगे, कि जितने भी ये ग्रह बताए हैं, राशियां हैं, ग्रह हैं, जैन धर्म विचारधारा के अनुसार ये सुख दुख नहीं देते, ये सिर्फ एक सूचक मात्र है। मुझे अन्य विषय के, अन्य परंपराओं, अन्य विचारधाराओं के अनुसार नहीं पता,
लेकिन जहां तक मेरे पढ़ने में आया, ये सिर्फ एक सूचक मात्र है जो सिर्फ हमें बताते हैं आगे के बारे में, ऐसा होगा ऐसा होगा। लेकिन यहाँ पर जो जैन तीर्थंकर हैं, मुनि हैं, जितने भी ऋषि हुए हैं जैनिज्म के अकॉर्डिंग, उनके अनुसार उनकी चित्त वृत्ति ही एक जन्म कुंडली है, ग्रहों से युक्त जन्म कुंडली है। और वहां पर वो ये कहते हैं कि यदि हम चित्त वृत्ति को ही वश में कर लें तो सारे के सारे रोग आदि व्याधि दुख सुख वो सारे के सारे समाप्त हो जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी विषय बड़ा रोचक है और बहुत कुछ मेरे पास इसके बारे में इसलिए कहने के लिए नहीं है कि जो कुछ मैं समझ पाई हूँ आज की स्लाइड से समझ पाई हूँ। फिर भी यहाँ पर एक बात कहना चाहूंगी कि श्रेयांसी बहुविद्वानी भवंती महताम अपि अश्रेयसी प्रवृत्ता नाम क्वापि यान्ति विनायकः। महापुरुषों के भी कार्य में विघ्न आते हैं, कोई मंगल हम शुरू करते हैं मांगलिक कार्य उसमें भी विघ्न आते हैं, और हर कोई आदमी ये सोचता है कि ठीक ठाक से हमारा जीवन भी पूर्ण हो जाए, हमारे कार्य भी सारे ठीक हो जाए। और जब हम किसी भी कार्य को आरंभ करते हैं तो शुभ मुहूर्त ढूंढते हैं, और शुभ मुहूर्त को ढूंढने के लिए, उसको जानने के लिए हमें फिर से ज्योतिष शास्त्र के पास आना पड़ता है, जिसका कि प्रत्येक क्षेत्र में बहुत अधिक महत्व है। आरंभ सेमिनार का डॉक्टर आशुतोष जी ने यहीं से किया कि जीवन 100 वर्षों तक चलता रहे। चिकित्सा शास्त्र की भी यही चेष्टा है, ज्योतिष शास्त्र की भी है और वैदिक शास्त्र की भी है, और मानव भी यही चाहता है। प्राचीन भारत में चिकित्सा शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र का प्रगाढ़ संबंध आपने बताया डॉक्टर मुकेश जी ने, और पूर्व जन्म कृतम पापम सामान्य व्याधि ऋतु परिवर्तन जैसे अगर हम इन चीजों से प्रभावित होने के बावजूद उसमें सारी की सारी व्याधि की पूरी तरह से चेष्टा, उसको रोग मुक्त करने की चेष्टा होने के बावजूद भी जब हमें समझ नहीं आता तो फिर हम ज्योतिष शास्त्र का सहारा लेते हैं। ये कथन मेरे हिसाब से बिल्कुल सत्य ही है। मंगल अग्नि तत्व चंद्रमा गुम है, तो जबकि चंद्रमा को जैन शास्त्र में भी चंद्रमा को ही पहले महत्व दिया गया और सूर्य को बाद में महत्व दिया गया। ग्रहों और राशि, उनके स्थान भाव विषय के बारे में आपने हमें अवगत कराया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और साथ ही उन सभी का धन्यवाद करती हूँ जो इस संगोष्ठी में सभी विद्वत जन जुड़े हुए हैं, सभी ज्येष्ठ वरिष्ठ और कनिष्ठ, आप सबका धन्यवाद। धन्यवाद मैम, वोट ऑफ थैंक्स के लिए आपका बहुत बहुत आभार। और एक बात जो बीच में आपने कही कि शुभ शुभ और कुछ नहीं होता है कि अपनी बॉडी की वेवलेंथ को, और हम जो अर्थ की और जो यूनिवर्स की वेवलेंथ है अगर उसको हम उसमें तालमेल बिठा पाए तो मुझे लगता है कि वही सबसे बड़ा शुभ होता है। क्योंकि हम अलाइंड नहीं हैं, हमारी बॉडी की जो शरीर की वेवलेंथ हैं, एनर्जीज हैं, वो अर्थ की एनर्जी से भी तालमेल नहीं, वो उसके साथ अलाइन नहीं हो पाती हैं, इसलिए जो है वो विकृतियां हमारे सारे व्यवहार में दिखाई देती हैं। और इसी को करेक्ट करने के लिए ये ज्योतिष शास्त्र होता है कि आप अपने मन की और जो शरीर है उसकी जो वेवलेंथ है उसको अलाइनमेंट में रखें यूनिवर्सल एनर्जीज के साथ। और मुझे लगता है कि सारे का सारा जो विज्ञान है वो है इसी तलाश में कि जिसको हम जेनेटिक इंजीनियरिंग कह रहे हैं, अल्टीमेटली वो सारा का सारा इसी जगह जा रहा है। और जिन महावीर स्वामी जी की आप बात कर रहे हैं और जिन और लोगों की, सिद्ध लोगों की बात करते हैं, वो ज्योतिष से परे चले जाते हैं क्योंकि वो फुली अलाइंड है, उनका माइंड बॉडी स्पिरिचुअलिटी वो पूरी कॉस्मिक अलाइनमेंट में चले जाते हैं, इसलिए उनको ज्योतिष की आवश्यकता नहीं है। ये ज्योतिष की आवश्यकता हम जैसे लोगों को है जिनको जानना भी है, समझना भी है और वो अग्रसर भी होना चाहते हैं कि हम अपनी पूर्णता को उपलब्ध, केवल बीमारियां ठीक करना है या कोई अच्छा बुरा पता करना है, ये इसलिए नहीं है, ये पर्याप्त नहीं है। इसका अंतिम उद्देश्य तो है कि हम इन सब से मुक्त, तो इसीलिए ये जिज्ञासा के विषय है, विश्वास का नहीं है। मैंने कभी नहीं पढ़ा अपनी परंपरा में कि कभी किसी ने कहा हो कि तुम विश्वास करो, वो कहते हैं जानो, जितना जानोगे उतना ही आप ठीक रहेंगे। एक बार मैं डॉक्टर मुकेश जी के बारे में कहना चाहूंगी व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि मैं इनको जानती हूँ, और सचमुच में गणित के आधार पर जो ये जैसे बताते हैं बहुत सटीक होता है सर, बिल्कुल मात्राओं के जोर से और शब्दों के, वर्णों के, स्वर और व्यंजनों के जोर से जैसा भी ये आगे बताते हैं, मतलब देखो 100% परफेक्शन का तो हर जगह कहीं ना कहीं स्कोप रहता है, लेकिन बहुत अच्छे ज्ञाता हैं, अपने विषय पर इनकी पकड़ है और मैं इनसे बहुत प्रभावित हूँ।
होना ही चाहिए, विद्वान लोगों को प्रभावित होना ही चाहिए निश्चित रूप से, ये बड़ी अच्छी बात है। और आज का ये कार्यक्रम हम यहीं पे पूर्ण करते हैं और कल दोबारा मिलेंगे, इसी को अग्रसर करेंगे और जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि ज्योतिष शास्त्र वस्तुतः ऑन ग्राउंड क्या करता है। थ्योरी तो हमने आज देखी समझी, लेकिन ऑन ग्राउंड ये एक्चुअली हमें कितनी सहायता कर सकता है, कितना हमें इवॉल्व करने में हेल्पफुल हो सकता है, इस बात को देखने और समझने के लिए कल पुनः आप सब आपकी बात में एक बात और मैं ऐड करना चाहूंगी सर, अगर ऐसे विषय हमारे संस्कृत में, संस्कृत भाषा का जो विषय है, जो सब्जेक्ट जो हम पढ़ाते हैं, अगर कुछ थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल के साथ प्रैक्टिकल भी जोड़ दें, तो मुझे लगता है इससे बच्चों में बहुत कुछ जानने की उत्सुकता भी होगी, और साथ में थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों जब इकट्ठे होंगे तो हमारी जो संस्कृत विषय है वो रोजमर्रा के जीवन का एक अभिन्न अंग बन सकती है। तो ऐसे क्या बहुत सारे विषय हैं, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल मैं सहमत हूँ, और ऐसे ही विषयों को संस्कृत में इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए। बाकी तो निर्भर करेगा कि यूनिवर्सिटी के लोग स्वीकार करते हैं कि नहीं करते, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि नए नए क्रेडिट के सिस्टम जो हैं उनको हम लागू करें और संस्कृत को जो है वो सुप्रतिष्ठित करें, उसको प्रभावी बनाएं, उपयोगी बनाएं, लेकिन बहुत सारी सीमाएं हैं, प्रयास करेंगे। प्रयास तो सिर्फ है ना, जैसे बच्चे हाथ पकड़ के स्कूल जाते हैं और कहते हैं कि आओ हम स्कूल चलें, तो शायद हम आप जैसे विद्वानों का पल्ला पकड़ के ये सकते हैं, कह सकते हैं कि आओ चलो हम संस्कृत में कुछ और नया जोड़ें। चलिए प्रयास करते हैं, ठीक है मैम। तो वो फॉर्म आप लोगों का जो है चैट बॉक्स में शेयर किया गया, आज कल जुड़े हुए हैं मैं उनको भी ये लिंक भेज देती हूँ और बच्चे भी उसको कॉपी कर लीजिए। ठीक है सर, अभी आप बंद मत कीजिए। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद आप सभी का। कल 11 बजे फिर मिलेंगे और इस चर्चा को अग्रसर करेंगे, और जो भी कोई प्रश्न होंगे उनको कल दोबारा टेक अप करेंगे। ठीक है सर, धन्यवाद, थैंक यू। आप लोग मीटिंग छोड़ सकते हैं। मैडम मीनाक्षी, आप इस रिकॉर्डिंग को बंद कर दीजिए। मैडम शिखा जी, सर जी, डॉक्टर साहब आपको डेट ऑफ बर्थ और टाइम। हाँ जी, हाँ जी, आप उनको भेज दीजिए।